हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी माय नेम इज प्रतीक नायक एंड वेलकम यू ऑल ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर हम लोग कर रहे थे पिछले क्लासेस के अंदर कंटिन्यू किया हुआ एनसीईआरटी के टॉपिक्स उसी को ही देखेंगे आज हम लोग मौरियन एम्पायर के फाइनल पार्ट के ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ मौर्यन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में साथों साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मौर्यस का डिक्लाइन कैसे हुआ मॉरियस का इंपॉर्टेंस क्यों है हिस्ट्री के अंदर एंड लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर से प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे आएंगे सर ठीक है ना तो प्रिलिम्स के अंदर जो प्रीवियस के क्वेश्चन है अभी तक पूछे गए हैं वो पार्ट के ऊपर भी हम लोग कवर करेंगे सो इन टूडे सेशन विल बी फाइनली कवरिंग द मॉरियन एम्पायर एंड फाइनली पुटिंग एन एंड टू दिस चैप्टर सर है ना तो काफ़ी लंबा चैप्टर रहा है आपको भी पता होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए ऑलमोस्ट uh, हमने सात छः पाँच से छः सेशन्स लिए हैं पर मॉरियज में इतना होता ही है इवन आप मेरे प्लस कोर्सेस के ऊपर आओगे तो मैं मिनिमम फाइव आवर्स के आसपास सिक्स आवर्स के आसपास इट टेक्स अराउंड जब उसका आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड करके कराते और ये तो एनसीआर टी का ही फाउंडेशन है तो वहाँ जब प्लस कोर्सेस के ऊपर आप जब ऑप्शनल में आते हैं तो और हम लोग डिस्कस करते हैं इन द ऑप्शनल कैटेगरी वी हैव मोर एंड मोर इलाबोरेशन ऑफ सर जैसे कल मैंने आपको अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया था और आपको बताने की कोशिश की थी कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस की प्रासंगिकता क्या है सर ठीक है तो उसमें क्या-क्या मैसेज दिए गए हैं सर है ना तो लास्ट पोर्शन में कल हमने मौर्य एंपायर को डिस्कस किया था और कल के क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है कि मौर्यस की कहानी क्या है मौर्यस के हिसाब से पावर के अंदर आए और हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि जो मौरियन एम्पायर है उसका फाउंडेशन कैसे होता है सर ठीक है ना सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पोर्शन हमने वो पोर्शन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसी को ही आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ हमारे अनएकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करके दे रहा हूँ वो है कि अनएकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए ऑप्शनल uh, के कोर्सेज और जनरल स्टडीज के कोर्सेज ऑप्शनल uh, का कोर्स मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है ऑलरेडी स्टार्टेड एन ऑप्शनल कोर्स फोर्टीन जुलाई से मैंने शुरू किया है आठ से दस बजे सुबह जहां पे मैं अभी एंशंट इंडिया का पूरा पेपर करा रहा हूं एंड आई विल बी लॉन्चिंग पेपर टू ऑफ ऑप्शनल एज वेल सर ठीक है ना जो मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कवर करेगा सर ठीक है ना तो ये टू आवर्स ऑफ डेली सेशन होते हैं इसमें करीबन करीब प्लान किया है प्लान जरूरत पड़ेगी तो फिर विल ऑल्सो एड ऑन मोर सेशन मतलब वी आर डूइंग अराउंड थ्री हंड्रेड प्लस ऑफ ऑप्शनल लर्निंग जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा इन द ओवरऑल प्रिपरेशन प्रोसेस एज वेल सबसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये कोड के साथ लीजिएगा पी एन लाइव डिस्काउंट कोड विच यू कैन यूज इट वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन जी एस कोर्स इज ऑल्सो लॉन्चिंग ऑन द क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडिया एंड अ कॉम्प्रेंसिव कोर्स ऑन जनरल स्टडीज मॉडर्न इंडिया विल ऑल्सो बिलॉन्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यही कोड यूज़ करना है पी एन लाइफ और भी बहुत सारे हमारे आपको आ, मिल जाएंगे एक किताब सीरीज़ शुरू हो रही है अनकेडमी की तरफ से जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक जो आप सिलेबस के अंदर ऐसे तो पढ़ते नहीं हो पर उनको जानना जरूरी होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो किताब सीरीज़ भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ये टॉप एजुकेटर्स इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो बाकी ऑप्शनल का और जनरल स्टडीज का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा तो अभी आज की तारीख में थर्टी डिस्काउंट है और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है सो गेटिंग फ्री टेस्ट सीरीज व्हिच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स ये सब्सक्रिप्शन के साथ तो कंबाइंड सब्सक्रिप्शन में आपको ये फायदा रहेगा और ये ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है जनरल स्टडीज की भी टेस्ट सीरीज इसके अंदर से कवर होगी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो दो साल या उससे ज्यादा का प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर रहे हो तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन करके देगी ये भी इसके अंदर से कवरेज है आज सब्सक्रिप्शन लोगे सत्रह तारीख को सेवनटीन जुलाई प्रिसाइसली से फॉर एग्जांपल तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन होगी वो मेंस 2022 तक वैलिड होगी मतलब अक्टूबर 2022 तक वैलिड होगी तो सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप आज ही लीजिए जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड वे के अंदर ले सकते हो बुक सेट इसके अंदर से कवर कराया जा रहा है लोन फैसिलिटी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लोन की लिंक भी दी गई है आ, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जनरल स्टडीज का ले सकते हो आइकोनिक में फायदा यही होगा आपको कि आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के तहत आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा गाइड मिलेगा एज ए टीचर तो मैं आपके साथ रहूँगा ही आपको खाली यही करना है कि टाइम फ्रेम देखना है एक साल लेना है दो साल लेना है तीन साल लेना है आई सजेस्ट कि यू टेक मिनिमम ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू आर इन द कॉलेज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो दो या तीन साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जीएस भी ले सकते हो मतलब और ऑप्शनल कंबाइंड भी साथ में ले सकते हो अलग अलग लेना चाहिए ले सकते हो टेन परसेंट डिस्काउंट पी एन लाइफ हमेशा यूज करिएगा इनफैक्ट ऑप्शनल का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना है जैसे मेरे कोर्स में ही आपको एनरोल करना है तो उसके लिए भी मैं कहूंगा कि वन ईयर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लीजिए बहुत कॉम्प्रेंसिवली तैयारी होगी बट फिर से मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि जनरल स्टडी तो आपको आखिर में पढ़ना तो है ही सर ठीक है तो हिस्ट्री के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटी पढ़ना पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा इकोनॉमी तो आपको बता है कि वी हैव वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म है ना तो अटेंड कर पाओगे और, और ये कॉम्बैट की खासियत क्या है कि इसके द्वारा आप इनफैक्ट है ना स्कॉलरशिप जीत पाते हो और औरकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले पाओगे सर है ना तो मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप कॉम्बेट के अंदर भी जुड़िए आपकी काफ़ी सारी अच्छी तरह से तैयारी हो पाएगी और आपकी एग्जाम के द्वारा आप यहां पे हमारे साथ जुड़ पाओगे अगर अच्छा स्कोर करते हो रैंक्स के अंदर ट्वेंटी जुलाई से नई बैचे शुरू हो रही है मेरी बैच शुरू हो रही है मॉडर्न इंडिया के ऊपर उसको भी आप अटेंड करिएगा जरूर से जब सब्सक्रिप्शन लोगे सर चलिए हम लोग और शुरू करते हैं आज के सेशन को टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर अवेलेबल है इसको भी आप अटेंड कर सकते हो वर्ल्ड टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन और नॉट टेकिंग

तो मैं आपसे बता रहा था पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में कि हमने पिछले क्लास के अंदर पिलर इंस्क्रिप्शन को शुरू किया था तो वही पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर चले जाते हैं लेट्स गो टू द पिलर इंस्क्रिप्शन इन द प्रीवियस क्लासेस एंड मैंने आपको मैपिंग के अंतर्गत काफी सारी चीजें बताई थी और अशोक के इंस्क्रिप्शन का महत्व बता दिया था ठीक है तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया है कि सर वाय पिलर इंस्क्रिप्शन और द रॉक इंस्क्रिप्शन है ना कि आपके रॉक इंस्क्रिप्शन है दो प्रकार के मेजर और माइनर इन्फेक्ट सर ठीक है ना या पकड़ने की कोशिश करोगे कि पिलर इंस्क्रिप्शन है सर है ना तो उसकी ये लोकेशंस के पीछे की सिग्निफिकेंस क्या है सर वॉट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड पुटिंग दिस काइंड ऑफ लोकेशन है ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा है तो उसका एक मिनट के अंदर जवाब दे देते हैं अब देखिए कि इनकी लोकेशंस आप देखोगी कोशिश करोगे सर ठीक है ना कि इनको इस तरह से क्यों रखा गया था सर ठीक है पहला तो दूसरा ये पूछा है कि सर ये रॉक और पिलर को ही क्यों चूज़ किया गया वाई देवर चूजन इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन दो तीन चीज़ें बता देता हूँ सर ठीक है मेटल की अवेलेबिलिटी जनरली इंस्क्रिप्शन मेटल पे भी लिखे जाते हैं कॉपर के जो प्लेट्स होते हैं ना ताम्रपत्र जिसे हम लोग पहचानते हैं सर ठीक है तो उसमें भी इंस्क्रिप्शन तो लिखे जाते हैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं पर कॉपर प्लेट्स बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल थी सर ठीक है ना गेडिमा पॉइंट सो वन वी सी द इशू ऑफ कॉपर प्लेट्स इट वॉज अवेलेबल इन लेसर नंबर ऑफ ऑल तो कॉपर प्लेट्स मॉरियस में इशू किए गए हैं जैसे आप देखोगे एक सोहागुड़ा करके इंस्क्रिप्शन है जो हमको इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की फमाइन रिलीफ के बारे में जानकारी देता है और भी इंस्क्रिप्शन हमको मिल जाते हैं सर ठीक है महास्थान इंस्क्रिप्शन आपको दिखेंगे सर ठीक है बट इनके रॉक और पिलर के अंतर्गत आपको दो चीज मिलेगी सर ठीक है रॉक में तो कहानी क्या है कि बड़े बड़े पत्थर ही है सर है ना ये मेजर रॉक है या माइनर रॉक है तो दे आर नोन फॉर द बिग रॉक्स है ना मतलब ये पत्थर नेचुरली अवेलेबल थे सर ठीक है और उनकी लोकेशन भी एक फिक्स जगह के ऊपर आपको मिल जाएंगी सर ठीक है तो रॉक की अवेबिलिटी जो है वो नेचुरली अवेलेबल है सर ठीक है ना गेडिमा पॉइंट और इसके लिए दे वर चूजन कि भाई इसी के ऊपर लिख देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आप कोई बिल्डिंग बनाते हो और बिल्डिंग के ऊपर आप इंस्क्रिप्शन डालते तो इश्यू होगा ना सर ठीक है अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो कोई महल बना रहे हो आपने कोई ऐसा मॉन्यूमेंट बना दिया और उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखवाओगे तो पाँच दस पंद्रह साल लिख जाएंगे तो जहां जहां पत्थर अवेलेबल है लोकली जहाँ से जो भी रॉक पोर्शन है उसके ऊपर आप लिख सकते हो तो इट्स ईजी फॉर देम है ना तो द मोटिव बिहाइंड पुटिंग इंस्क्रिप्शन ऑन द रॉक वॉज दिस ओनली कि इट वॉज नेचुरली अवेलेबल दूसरा आता है पिलर इंस्क्रिप्शन जिसे हम लोग अभी आज की क्लास के अंदर भी चर्चा भी करेंगे सर ठीक है तो पिलर इंक्रिप्शन के बारे में एक चीज याद रखेगा सर ठीक है पिलर इंस्क्रिप्शन आपको मूल तह से इतने ही रीजन में मिलते हैं सर है ना वेन वी सी द लोकेशन ऑफ द पिलर इंसक्रिप्शन ऑफ द मोरियस वेर डू वी सी दिलर हमको कहां, -कहां पे मिलर दिख रहे अब आप समझने की कोशिश करिए आपको पिलर इंस्क्रिप्शन इतने ही जगह के ऊपर दिखेंगे सर ठीक है द पिलर एक्चुअली फाउंड इन दिस रीजन ओनली इसके सिवाय हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो बाकी सब जगह के ऊपर हमको पिलर इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं सर ठीक है अब पिलर्स के बारे में अशोक का याद होगा आपको सर ठीक है ना कि अशोक के जो पिलर्स हुआ करते थे उनकी महत्व क्या था सर ठीक है ना पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उनका महत्व क्या था सर ठीक है ना तो अशोक के पिलर्स जो है ना वो आप समझने की कोशिश करिए कि वो दो जगह के ऊपर बनते थे मतलब सादी भाषा में देखोगे तो वो पिलर्स कहीं और बनते थे और उनको ट्रैवल करवाया गया था सर ठीक है सो वी फाइंड अ प्लेस कॉल्ड चुनार नाम याद रखेगा सर ठीक है वेरी फेमस प्लेस इन हिस्ट्री सर ठीक है और दूसरा है मथुरा चुनार यहाँ पे ईस्टर्न यूपी के अंदर आया है सर ठीक है ना ये दोनों जगह के ऊपर अशोक के पिलर बना करते थे सो द मैन्युफैक्चरिंग साइट समझ में आ रहा है आपको सर ठीक है तो जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो फिक्स थी सर और यहां पे ही आपके पिलर्स बनते थे तो अशोक क्या कहता था कि इन रीजन के ऊपर पिलर डालने का इंटेंशन उसका ये था इन प्रदेशों के ऊपर पिलर डालने का इंटेंशन ये था कि जहां पे इसका डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल है सर ठीक है तो बनते थे यहां कहीं पे ईस्टर्न यूपी में एक कुछ मथुरा के अंदर आपको दिखेंगे इस साइड पे वेस्टर्न यूपी में कुछ आपको ईस्टर्न यूपी में चुनार के अंदर मिल जाएंगे सो विल फाइंड टू प्लेस कॉलेज मथुरा अभी मैंने आपको बताया और दूसरी कौन सी बताई चुनार सर ये दोनों जगह के ऊपर अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शन हमको मिल जाता पिलर इंस्क्रिप्शन का मैन्युफैक्चरिंग होता था पिलर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग होता था सर ठीक है फिर उसके बाद उनको ट्रैवल करवाया जाता था उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो आप जो भी इनफैक्ट पिलर्स देख रहे हो ना ये आइदर ऑफ दी चुनार और मथुरा में बने हुए हैं सर ठीक है पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि अशोकन पिलर्स जो अशोक ने बनाया है वो एक या दो जगह के ऊपर बने हैं इधर चुनार में बने इधर मथुरा में बने हैं सर ठीक है अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पिलर कहाँ पे बना है आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि विच पिलर वाज मेड इन विच लोकेशन सर ठीक है ना ये प्रश्न तो आपको आएगा ना सर कि ये जो पिलर है जैसे ये कौन सा पिलर है अब आप समझोगे तो ये पिलर सारनाथ पिलर है सर ठीक है इसका जो लोकेशन है वो सारनाथ पिलर लोकेशन है सर ठीक है क्योंकि ये सारनाथ का ही हमने एम्ब्लम के रूप में आज की तारीख में स्वीकारा है ये आपका लोगो होगा ना वैन यू विल बी ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो आपने ये एम्बलम देखा होगा आपके विजिटिंग कार्ड के अंदर आपकी के उपर, या आपकी ऑफिस के ऊपर है ना पीछे इस प्रकार का होता है ना कि भाई अब आप बड़े बाबू बन गए हैं कि ये सरकार का एक सिम्बॉल बनता है स्टैम्प बन गया है सर ठीक है तो ये सारनाथ में बना है इसका आ, ये सारनाथ का पिलर है ये कहाँ पे बना है सर है ना इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ होगा सर ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक तो मटेरियल कौन सा है सर ठीक है जनरली क्रीम कलर का जो पत्थर यूज़ किया गया है ना क्रीम कलर का वो जनरली आप देखोगे तो चुनार में बना है सर ठीक है और ऐसा कोई भी पिलर ऐसा कोई भी पिलर जहाँ पे रेड सेंडस्टोन का यूज़ किया गया है कौन सा है रेड सेंडस्टो लाल माटी का पत्थर यूज किया गया है सुनिएगा सर ठीक है लाल माटी का पत्थर यूज किया गया अगर आपको रेड सेंड स्टोन वाली जगह दिखेगी वेन यू सी द रेड एंड स्टोन तो वो जो पिलर है रेड सेंड स्टोन वाला जो पिलर है वो कहां पे बना होगा सर है ना वो मथुरा के अंदर बना होगा तो आपको लोकेशन से आपको आइडेंटिफाई पता चल जाता है कि अगर क्रीम कलर का पत्थर आ रहा है थोड़ा ग्लॉसी फिनिश वाला क्रीम कलर का पत्थर है और वो पिलर में यूज किया गया है तो मोस्ट ऑबली ये चुनार में बने अशोक के ज्यादातर पिलर जो थे वो एक्सीटो बना करते थे एक्सीटो का मतलब क्या है कि उनकी बनने की लोकेशन कहीं और थी और उसको अशोक ने ट्रैवल करवाया था मतलब है ना बैलगाड़ी में डाल के ये अपने मजदूरों को बोला होगा कि इसको उठा के यहां पे डालो यहां पे डालो यहां पे डालो यहां पे डालो सर ठीक है तो अशोक के बहुत सारे पिलर्स हैं सर ठीक है द द रीज़न पिलर्स वर स्पेसिफिकली कास्टेड हैल्सो अशोक वॉज ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट हिज पावर एज वेल सर ठीक है अब जैसे ये पिलर्स के पीछे की आइडियोलॉजी समझिए द रीजन वाई द पिलर्स वर कास्टेड आउट सर ठीक है अशोक ने ज्यादातर पिलर्स के ऊपर एनिमल्स यूज किए हैं जिसे हम लोग कैपिटल

एबेक्स के ऊपर अगर आप समझोगे तो आपका कैपिटल आएगा यहाँ पे आपका अशोक चक्र है सर ठीक है और फिर ऊपर आपने तो देखे होंगे तो शेर बिठा दिए जाते हैं सर है ना कभी कभी पे चार लाइन आपको दिख जाएंगे सर है ना तो जो आपके ये क्या कहते हैं कि सारनाथ का जो पिलर है या सांची का पिलर है उसमें चार चार लाइन दिखते हैं सर ठीक है तो आप जो देख रहे हो ना एम्बलम के रूप में आज की तारीख में हम लोग एम्बलम में क्या देखते हैं ऊपर वाला ही देखते हैं सर ठीक है पर पूरा पिलर ऐसे होता है वो तीन चार पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है सर ठीक है इसमें अशोक ने ये पिलर्स का यूज किया था द रीजन वाई द पिलर्स वर यूज उसके पीछे दो कारण थे सर ठीक है एक तो पिलर्स वर एक्चुअली यूज इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट का मतलब ये है कि जो भी जानवर आप देखोगे ना आपको चार एनिमल्स दिखेंगे लायन दिखेंगे यू विल फाइंड अ बुल देन यू विल फाइंड एन हॉर्स गेटिंग पॉइंट नॉट है ना एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ डियर सर ठीक है इन चारों का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा ये चारों का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा अशोकन पिलर्स के अंदर से ठीक है सो यू विल सी दैट अशोक के ज्यादातर पिलर्स के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको यही चार ज्यादातर एलिमेंट्स हमको यहां पे दिखते रहते हैं सर ठीक है ना कभी कभी आप देखोगे तो आपको हाथी भी दिख जाता है सॉरी सर ठीक है ना सो वी फाइंड इवन एलिफेंट इज ऑल्सो सीन डियर नहीं दिखेगा आपको एलिफेंट दिखेगा सर ठीक है सो लायन बुल हॉर्स एंड एलिफेंट दिस आर द फोर प्राइम एनिमल्स जो अशोक के ज्यादातर uh, पिलर्स के अंदर दिखते हैं टू कन्वे द मैसेज अब देखो ये लायन क्यों यूज किया था अशोक ने चार लाइन यूज किए थे है ना सब जगह के ऊपर आपको दो जगह के ऊपर आपको दिखेगी कहाँ पे दिखेगा एक तो हियर सारनाथ के अंदर आपको दिखेगा और सांची दिखेगी सारनाथ एंड सांची आर नोन फॉर द फोर लाइंस। फोर लाइन्स का मतलब है कि उसने स्तंभ के ऊपर चार शेरों को डाला गया था क्यों डाला गया था सर क्योंकि अशोक यहाँ पे बुद्ध को मैसेज के रूप में कंसिडर करते थे अब अशोक की धम्म यात्रा कल हमने देखी थी अशोक ने एडिक्ट के अंदर याद आया कि नहीं आया सर ठीक है सीन वन ऑफ द अशोक एक्चुअली अबाउट धम्म यात्रा कि मैं बोध गया गया था वहां पर मैं धम्म का प्रचार करके आया था ठीक है वो जो धम्म यात्रा की थी उनके बेसिस के ऊपर उसने सारनाथ में ये लाइन कैपिटल्स बनाया वो क्यों क्योंकि बुद्ध ने एक दहाड़ मारी थी बुद्ध की जो पहली शर्मन थी वो कहां पे हुई थी सारनाथ में हुई थी द फर्स्ट स्पीच ऑफ बुद्धा सारनाथ इसके लिए अशोक कहता है कि मैं यहाँ पे ये यह हाईलाइट करवाता हूं इन द फॉर्म ऑफ फोर लाइन बुद्ध की जो दहाड़ है वो शेर की तरह थी क्या थी बुद्ध की जो दहाड़ है वो कैसी है शेर की तरह है सर ठीक है और शेर की तरह कैसे दिखेगी आपको सर सो यू विल फाइंड कि अशोक ने इसको हाईलाइट करवाते हुए वहां पे चार शेर डाले सर ठीक है कुछ कुछ जगह के ऊपर आप देखोगे ना इन uh, लायन दिखेगा बुल दिखेगा हॉर्स दिखेगा और एलिफेंट दिखेगा जैसे सांची और सारनाथ के अंदर याद रखेगा इन द सांची एंड सारनाथ प्लीज रिमेंबर सर ठीक है ना यू विल गेट फोर लायन आपको यहाँ पे चार लायन दिख जाते हैं सर ठीक है गेटिंग नॉट है ना उसी दौर के ऊपर अगर आप देखोगे रामपुर करके एक जगह दिखेगी सर है ना चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बिहार में आपको सिंगल लाइन दिखता है एक लाइन दिखेगा सर है ना सिंगल लाइन आपको दिखेगा सर ठीक है यही रामपुर के अंदर आपको यहाँ एक या यूपी में एक जगह दिखेगी जिसका नाम है संकीसा संकीसा में आपको एलिफेंट दिखता है यू विल फाइंड एन एलिफेंट सर ठीक है यह आपको एक जगह दिखेगी रूमेंडी या लुम्बिनी के रूप में पहचानते हैं रूमेंडी सर है ना तो इसको लुम्बिनी के रूप में पहचानते हैं हम लोग यहाँ पे आपको हॉर्स कैपिटल दिखता था घोड़ा दिखता था यू एन चांग करके एक चाइनीस ट्रेवलर आया था वो बताता है कि हमने घोड़ा देखा था इसके पिलर्स के ऊपर से ठीक है अब ये चारों के चारों एनिमल्स जो है इसका बुद्धिज्म के साथ बहुत गहरा निश्चा है मतलब आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो हम लोग जब लायन को समझने की कोशिश करते हैं तो वो दहाड़ है बुद्ध की जो सिम्बॉल है वो चारों दिशाओं में चलती है उसी तरह बुल का एक सिग्निफिकेंस आपको बुद्धिज्म के अंदर दिखेगा हॉर्स का इंपॉर्टेंस दिखेगा क्योंकि बुद्ध ने जब अपना संसार छोड़ा बहन बुद्धा लेफ्ट इज हाउस इट वॉज ऑन हॉर्स ओनली है ना अपने चन्ना के साथ वो चले गए थे और चन्ना को भी एक हद के बाद छोड़ दिया था कहा था कहा कि आप चले जाओ, मैं संसार से आगने जा रहा हूँ हाथी बहुत ही वाइज वाइज एनिमल है आपको पता होगा इन विजडम को दर्शाता है इनफैक्ट बुधा की मदर को हाथी का एक सपना आया था उनकी मदर थी ना महादेवी सर ठीक है तो शी एक्चुअली गॉट अ ड्रीम ऑफ एन एलिफेंट तो बहुत लंबी कहानी बट इनके सिम्बॉल्स के पीछे का रीजन देखिए तो अशोक ने कुछ जगह के ऊपर पिलर यूज किए अशोक ने कुछ जगह के ऊपर स्टोन यूज किए उसके पीछे दो कारण हैं पहला कारण तो पिलर्स जहां पे स्टोन यूज किए गए हैं वो तो नेचुरली अवेलेबल थे तो जहां पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल थी वही की वही उसने कार्विंग करवा दी सर ठीक है यहां पे कोई पत्थर को बनवा के यहां पे ट्रेवल नहीं करवाए गिरनार का रॉक जो है वो वहां पर अवेलेबल है पत्थर तो अवेलेबल था ना बड़े बड़ी छोटी मात्रा में तो वहां पर उसने कार्विंग कराया स्पेसिफिकली आर्ट फॉर्म के लिए पिलर्स एक मैसेज के लिए और पिलर्स को वो बुद्धिज्म के रूप में बुधा का जो धम्म था ना बुद्धिज्म का जो बुधा की उसकी जो पूरी पूरी परिकल्पना थी और अशोक का खुद का धम्म जो है अशोक अपना भी धम्म की बात करता है सर ठीक है वो भी उसने पिलर्स के थ्रू कार्विंग कराने की कोशिश की ये जो पिलर्स है इसमें अलग अलग आपको सिम्बॉल्स देखेंगे ये सिंबॉल्स में आपके ऊपर के जानवर पता होने चाहिए सर ठीक है जैसे कुछ कुछ पिलर्स के ऊपर आपको क्या दिखता है यू विल फाइंड फोर एनिमल्स मतलब जैसे यहाँ पे तीन चार पिलर्स के बारे में आपको बताता हो सर ठीक है जैसे ये रामपुर दिख रहे हो ना सर यू कैन सी ए रामपुर रामपुर में आपको दो प्रकार के पिलर्स दिखते हैं सर ठीक है सो यू विल फाइंड अ बुल कैपिटल आपको बुल भी दिखता है बुल का मतलब है बेसिकली यहाँ पे एक बैल है सर ठीक है रामपुर के अंदर एक और पिलर आया हुआ है जहाँ पे सिंगल लायन कैपिटल है मतलब वहां पे एक शेर दिखता है सर ठीक है चार शेर नहीं दिखते एक ही दिखता है यहाँ पे सर ठीक है उसी तौर के ऊपर सारनाथ में फोर लाइन है सांची में फोर लाइन आपको दिखेंगे सर ठीक है रूमिंडी में हॉर्स इंस्क्रिप्शन है मतलब इसके ऊपर घोड़ा था पिलर के ऊपर सर ठीक है और फिर वो पिलर के ऊपर जो मैसेज होता है ना सर वो मैसेज यहाँ पे आपको अशोक कार्विंग करेगा उसका इंस्क्रिप्शन आपको पिलर के ऊपर दिख जाएगा सर ठीक है सो यूल फाइंड अशोक इंस्क्रिप्शन विल बी इंस्क्राइब ऑन द शाफ्ट ऑफ द पिलर ठीक है ऐसा नहीं है कि अशोक के जो पिलर थे वो कोरे हुआ करते थे उसमें ग्लॉसी आर्ट फॉर्म भी था तो पिलर्स वर एक्चुअली यूज इन ड्यूअल पर्प इट वॉज मैसेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर मतलब वो आर्ट आर्ट के लिए कला के हिसाब से स्कल्पचर आर्ट के रूप में आप कह सकते हो कि वहां से मूर्ति बनने शुरुआत हो रही है क्योंकि घोड़े की आकृति बनाना पत्थर में से काट के या हाथी की आकृति बनाना पत्थर में से काट के बुल की आकृति बनाना या लाइन की आकृति बना इमेज बनाना सर ठीक है ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं सर ठीक है तो इट वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग आई वुड से सर ठीक है तो एक तो ये आपको बहुत क्लियर कट मिल रहा है यू विल फाइंड दिस इज अ वेरी क्लियर कट पार्ट ऑफ द पिलर इंस्क्रिप्शन दूसरी अगर आप समझने की कोशिश करिए जब हम लोग यही पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ मैसेजेस दिखेंगे सर ठीक है ये मैसेजेस के अंदर मैं पिलर्स के बारे में कुछ कुछ बात बता देता हूं जैसे ये कौशंबी पिलर है दिख रहा है आपको सर ठीक है कौशंबी पिलर का इंपॉर्टेंस याद रखेगा जैसे हमने सांची और सारनाथ का बताया ना मैंने आपको सर ठीक है सांची सारनाथ में फोर लाइन है रामपुर में सिंगल लाइन है और रामपुर में एक और सिंगल बुल दिखेगा एक बैल दिखता है सर ठीक है ना संकीसा करके एक जगह है यूपी के अंदर वहां पे एलिफेंट पिलर मिलता है हाथी हाथी को बैठा है जैसे यहाँ पे शेर है ना वैसे हाथी मिल जाएंगे सर ठीक है रुमेंडी लुम्बिनी के अंदर घोड़ा दिखता है सर ठीक है वैसे ही आप देखोगे कौशंबी पिलर कौशंबी पिलर याद रखेगा सर ठीक है कौशंबी पिलर का इंपॉर्टेंस क्या है वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कौशंबी पिलर कि इसमें कोई एनिमल नहीं है, no है नो कैपिटल तो नहीं है बट कौशंबी पिलर के अंदर ये प्रयाग के अंदर आया हुआ है प्रयाग मतलब आज का मॉडर्न डे अलाहाबाद सर ठीक है ना सो ये वापिस प्रयाग हो गया अलाहाबाद तो अकबर के समय पे हुआ था ना खैर सो वी फाइंड कि ये जो प्रयाग है या कौशंबी पिलर है इसमें अशोक का मैसेज है अशोक के साथ साथ आपको अकबर का मैसेज भी दिखेगा इसमें आपको जहांगीर का मैसेज भी दिख जाएगा सर ठीक है तो मुगल राजाओं ने भी ये uh, कौशंबी पिलर के अंदर अपने मैसेजेस को कार्बआउ करवाया था सर ठीक है यू कैन इमेजिन कि इवन द मुगल किंग्स रोड द मैसेज ऑन द पिलर्स ऑफ अशोक का सर ठीक है और अशोक के जो पुराने पिलर्स थे उसमें अकबर और जहांगीर ने भी उसको शिफ्ट करा है एक्चुअली ये पिलर जो है अलाहाबाद में शिफ्ट किया गया कौशंबी ओरिजिनल जगह है कौशंबी वट्स द कैपिटल ऑफ द वत्स करके किंगडम था वत्स याद आया आपको सर वत्स करके एक महाजनपद आपको दिखेगा सर कहा गया मैं आपको जस्ट यहाँ से बताता हूँ ये रहा सर ठीक है ना तो ये जो वत्स है ना कौशंबी सर ये वत्स जो है कौशंबी यहाँ पे अशोक ने यहाँ पे ही इनफैक्ट अपना पिलर बनाया है ये वही जगह है सर ठीक है वत्स करके किंगडम हुआ करता था जब महाजन पदों की निर्माण हुई थी तो और आफ्टर 200 इयर्स व्हेन वत्स वाज मेड पार्ट ऑफ द अशोकन एम्पायर और जो मॉडर्न एम्पायर तो वहाँ पे अशोक ने पिलर बनवाया सर ठीक है ये भी पिलर का इंपॉर्टेंस क्या है तो मैंने आपको बताया कि इसमें अकबर जहांगीर अशोक के तीनों के मैसेज है इसका एक और इम्पोर्टेंस है याद रखिएगा कि इसको क्वीन सेडिक के रूप में भी पहचानते हैं सर क्वीन सेडिक का मतलब क्या है सर कि ये जो एडिक्ट है इसमें अशोक की वाइफ का भी मैसेज आपको मिल जाएगा सर ठीक है ना तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यूपीएससी सीधा पूछता है सर ठीक है कि क्वीन सेडिक का इंपॉर्टेंस क्या है सर ठीक है तो अशोक है अकबर है जहांगीर है अशोक की राणी का भी मैसेज आपको दिखेगा इनफैक्ट इसके ये जो पिलर है दिस इज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एक गुप्ता राजा थे जिनका नाम था समुद्र सर नाम सुना होगा आप सबने सर ठीक है ना? समुद्र का नाम सुना है उसकी एक प्रशस्ति कंपाइल की गई थी उनके कोर्ट पोर्ट के द्वारा जिसका नाम था हरी सर ठीक है सो so, हरी सेन के द्वारा एक पूरी प्रशस्ति तैयार की जाती है समुद्रगुप्त की समुद्रगुप्त वॉज वेरी इंपॉर्टेंट किंग और वी एसमित तो इसको नेपोलियन के समान कंसिडर करता है खैर नेपोलियन बाद में हुआ समुद्रगुप्त बहुत पहले हो गए थे पर खैर वी स्मिथ का मानना है कि भाई इंडियन नेपोलियन थे ठीक है तो हरिसेन ने ये अहराबाद के जो प्रयाग के अंदर जो पिलर आया हुआ है वहाँ पे एक पूरी प्रशस्ति लिखी है सो इट कंसिस्ट ऑफ थर्टी थ्री इसमें तैतीस लाइने हैं ये 33 की 33 लाइनों के अंतर्गत समुद्रगुप्त की जो पॉलिटिकल पावर है या समुद्रगुप्त का जो एक्सपांशन है उन सबको हाईलाइट किया गया है इन दी प्रयाग प्रशस्ति और द कौशंबी पिलर सर ठीक है तो जब जब आप कौशंबी पिलर को देखते हो वेन एवर यू सी द इश्यू ऑफ कौशंबी पिलर एंड द कौसंबी इंस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या महत्व है सर ठीक है तो रुमेंडी के अंदर घोड़ा है रामपुर रूम में सिंगल लाइन है लॉलिया अरराज एंड लॉलिया नंदनगढ़ ये भी ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही है सर ठीक है बिहार वाले रीजन में बिहार और गोरखपुर वाले रीजन में आपको दिखेगा सर ठीक है एक है निगाली सागर निगाली सागर याद रखेगा सर ठीक है ये पिलर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें अशोक ने बुधा के पहले के बुद्ध के बारे में बताया है सर ठीक है तो बुद्धिज्म में है ना एक कनक मुनि का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा यू विल फाइंड एन इंपॉर्टेंस ऑफ कनक मुनि अब नक मुनि बाय द वे सर ठीक है तो याद रखिएगा कि कनक मुनि अ वीसीडिंग बुधा प्रिडिंग बुधा का मतलब क्या है कि बुद्ध के पहले भी बहुत बुद्ध हो गए हैं बुद्धिज्म एक ट्रेडिशन चलता है कि बुद्ध के पहले चौबीस बुधा हुए एक ट्रेडिशन ये भी कहते हैं कि बुद्ध के पहले छह बुधा थे मतलब जैसे आप देखोगे विष्णु जी के हम लोग अवतार की बात करते हैं या इस्लाम में आपको पता होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो एक मैसेंजर थे गॉड के क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे ईसु मसीह भी थे वो भी गॉड के मैसेंजर थे सर ठीक है तो वैसे ही यहां बोला गया है कि कनक मुनि है जो सिद्धार्थ गौतम हो गए ना बुद्ध अपने जो मेन बुद्धा हो गए गौतम उसके पहले के एक बुद्धा हुआ करते और अशोक ने उनके लिए एक इंस्क्रिप्शन डेडिकेट किया था निगाली सागर के अंदर तो याद रखिएगा कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछेगा कि निगाली सागर का इंपॉर्टेंस बता दीजिए है ना तो ये नेपाल में आया है लुम्बिनी के पास ही सर रोमेंडी रोमेंडी में घोड़ा है मतलब लुम्बिनी वाला सर ठीक है निगाली सागर ये है तीसरा इसके अंदर से आप देखोगे तो हमको यहां पे दिख रहा है गुजरा करके जगह सर ठीक है गुजरा में अशोक का पर्सनल नेम है पर्सनल नेम ऑफ अशोक का सर याद रखेगा इट इज ऑल्सो पिलर इंस्क्रिप्शन विदाउट एनी कैपिटल वो इसमें कोई कैपिटल नहीं है कोई जानवर नहीं है आपको सर ठीक है तो ये भी आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट पता होना चाहिए इसके अलावा दो जगह है टोपारा एंड मेरठ ये दोनों की दोनों नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के पास आपको दिखेगी ये टोपारा और मेरठ का इंपॉर्टेंस ये है कि ये ओरिजिनली तो यहाँ पे थे

दिल्ली के वेस्ट साइड में मेरठ इज इन यूपी सर है ना और टोपारा तो थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा आपके अंबाला वाले रीजन में आपको मिलेगा सर ठीक है एंड वॉट डू वी सी ओवर हियर ये फिरोज छा तुगलक उसको उठा के दिल्ली में लेके आ गया सर ठीक है तो ये पिलर को ट्रांसपोर्ट कराया गया था ओरिजिनल ये पिलर कहीं पे बने थे वेस्टर्न यूपी की साइड में ये ईस्टर्न यूपी चुनार के अंदर बने होंगे और फिर अशोक ने इसका ट्रैवलिंग करा के कहीं और दूसरी जगह पे उसको स्केटर करवाया सर ठीक है तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ पिलर इंस्क्रिप्शंस के अंदर दिखेंगी यू फाइंड द होल स्टोरी ऑफ द पिलर ओवर हियर और आपको पूरा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि ये पिलर का क्या महत्व था सर ठीक है सो एवरीवेयर यू विल गेट द स्टोरी जहां पे ये पिलर्स का आपको महत्व दिख जाएगा यहां से क्वेश्चंस बनते रहेंगे कि क्या एनिमल है एनिमल का मतलब कि कौन से पिलर के ऊपर कौन सा एनिमल दिखता है सर एटलीस्ट यू शुड नो दैट ओके तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना तो आपको कभी कभी फोर लायन दिख जाएंगे uh, कभी कभी आपको सिंगल लायन दिखेगा सर सिंगल लायन सिंगल लायन दिखेगा सर है ना फिर कभी कभी आप देखोगे तो आपको बुल दिखता है बैल दिख जाता है सर ठीक है uh, आपको एलिफेंट दिखता है सर ठीक है और आपको हॉर्स दिखता है तो चार ही एनिमल्स है एनिमल्स तो चार कॉमन है सर ठीक है लायन बुल एलिफेंट एंड हॉर्स ये चारों के चारों ही अशोक ने पोर्ट्रे किए हैं इन द पिलर्स पॉइंट तो पिक्चर क्लियर हो गया द होल पिक्चर इज क्लियर की कहाँ पे पिलर डिस्क्रिप्शन अशोक के द्वारा रखाए गए थे और फिर इवन आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बुल दिख रहा है यहाँ पे भी हॉर्स दिख रहा है ये बीच में अशोक चक्र है सर है ना ये चक्र क्या दर्शाता है ये चक्र दर्शाता है धम्म चक्र धम्म चक्र का मतलब ये है कि बुद्ध ने जब अपना इनफैक्ट फर्स्ट सरमन दिया था यू माइट बी एवर अबाउट बुधा गेव द फर्स्ट सरमन इन सारनाथ और जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी बुधा गेव फर्स्ट स्पीच और द फर्स्ट सरमन ये स्पीच के आधार के ऊपर उन्होंने समाज को बदलने का एक पूरा आधार दिया सर ठीक है सो ही गेव द फाउंडेशन एंड ही शोड द डायरेक्शन की वेट टू चेंज एंड हाउ टू चेंज द सोसाइटी सर ठीक है तो उसे धम्मचक्र के रूप में पहचानते हैं एंड यही जो चक्र है ये अशोक ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्सपांड करते हुए उसके जो सिंबल्स से उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको एक चक्र के रूप में बताया सर दिस इज नोन एज एबेकस है ना इसको एबेकस कहते हैं आ, या इन्वर्टेड लोटस के रूप में भी पहचानते हैं सर ठीक है या बेल बेल शेप्ड एबेकस के रूप में पहचानते हैं ये आपका कैपिटल हो जाता है नीचे शाफ्ट आता है और इसके नीचे एक पिल ये आएगा रॉड आएगा सर ठीक है ना एक्चुअली ये अशोक चक्र ऐसा है सर ठीक है अशोकन पिलर जो है ये ऐसा है देख रहा है आपको सर आ, थोड़ा नजदीक कर देते हैं सर ठीक है अब आपको दिखेगा सर है ना दिखा कि नहीं दिखा ये छोटा वाला है सर ठीक है तो ये आपका एब एबिकस है फिर आपका ये क्या कहते हैं कि कैपिटल आ गया इसमें भी चार लायन है सर ठीक है सो यू विल फाइंड फोर लायंस ओवर हियर हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको और इसको कंपेयर करिए मेरे जो स्क्रीन में ऊपर है ना ये वाला सर ठीक है तो इसका बड़ा वाला वर्जन भी पड़ा है मेरे पास आ, कहीं साइड में पड़ा है नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो वरना आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाऊंगा ना तो इसका बड़े वाले वर्जन को आपको दिखाऊंगा सर है ना तो बड़ा अशोक स्तंभ है वो भी मिल जाएगा खेर जो भी बात है लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट मैं आपको पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा था होपफुली पिलर इंस्क्रिप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं तो हमने अभी तक अशोक की पूरी कहानी देखी है हमने समझने की कोशिश की है कि मोरियज में अलग अलग इंस्क्रिप्शन में अलग अलग मैसेज डाले गए अब एक बच्चे का मैसेज ये है कि सर हमको रॉक एडिक टोटल फोर्टीन मिलते हैं सर ठीक है और लोकेशन क्यों दस है तो बाकी के चार कहाँ चले गए सर ठीक है ना तो ये जो प्रश्न है उसका नंबरिंग किया गया है ठीक है उसमें मैसेज जो है उसका पूरा नंबरिंग किया गया है तो लोकेशन दस ही है याद रखेगा सर ठीक है डोंट गेट बिटवीन द नंबरिंग एंड द लोकेशन सर ठीक है उसका नंबरिंग जो है वो 14 नंबर के ऊपर है टोटल और जितने भी लोकेशन से सब में जनरली यही मैसेज डाले गए हैं ये रॉक एडिक्ट जो है मेजर रॉक एडिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंडिविजुअल मैसेज नहीं डाला है सर है ना रॉक एडिक्ट नंबर के ऊपर कुछ और बात की है रॉक एडिक्ट नंबर टू नहीं एक ही पत्थर होगा वो पत्थर के ऊपर ज्यादातर ये चौदह के चौदह मैसेज आपको दिखते हैं पॉइंट है ना इन मेजोरिटी ऑफ द स्टोन्स ही विल बी राइटिंग अबाउट ऑल दिस मैसेजेस इसके लिए उसका नंबरिंग किया है कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस सर गेडिंग है ना तो ये पूरी कहानी आपको इसके अंदर से देखेगी अशोक की जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था और इसमें हमने रॉकेटिक्स माइनर रॉकेटिक्स और पिलर इंस्क्रिप्शन इन तीन पॉइंट को डिस्कस किया है सर ठीक है ना तो ये हमारी अशोक की इंस्क्रिप्शन की पार्ट कवर होगी अशोक का धम्म कवर हो गया अशोक के एडिक्स कवर हो गए सर ठीक है तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें मोरियस को मोटे मोटे तौर के ऊपर ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं सर ठीक है और पिलर्स की भी जो थोड़ी बहुत फाउंडेशन ज़रूरत थी जो प्रिलम्स के लिए आपको काम में आती है वो मैंने करवा दी है आप और एक्सपांड करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइए क्योंकि इसमें माइनर इंस्क्रिप्शन की भी अपनी महत्व है इसमें एक्चुअली ये जो बात है एन में तो खाली मैप ही दिया है ये मैप को एक्सप्लेन किया है मैंने सर है ना और इनफैक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे की वो पसंद ज़्यादा नहीं आ रही है सर ठीक है जो चीज़ एन में नहीं दी है उसको लेके मैंने कल आपको ऑलमोस्ट एक घंटा डेढ़ घंटे के आसपास डिस्कशन करा है तो कल कल, कल के क्लास में डिसलाइक ज़्यादा लगा दिए सर ठीक है तो ये तो कोई बात हो गई सर है ना ऊपर से जिस चीज़ के लिए आप फीस पे करोगे कहीं और चले जाओगे इधर उधर भटकोगे फीस पे करने के बाद भी शायद ऐसा हो सकेगा कि आपको कोई कराएगा नहीं सर ठीक है वो यहाँ पे मैं YouTube के आपको फ्री में करा रहा हूँ तो मुझे डिसलाइक मार के चाह रहे हो सर ठीक है ये जो रॉक एडिक्स है ना एक से नंबर फोर्टीन नंबर के बीच में कल मैं डिस्कस कर रहा था ना इन सबको ये थोड़ी एनसीआरटी में दी है आप जाके उठा के देख लीजिए स्टैंडर्ड ट्वेल्थ की एनसीआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन उसमें खाली ये मैप ही दिया है ये मैप को जो एक्सप्लेन करने का काम है वो हमने आपके पिछले दो क्लास में किया है सर ठीक है इसको इलाबरेट किया है सर और वो भी यही प्लेटफॉर्म के ऊपर क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट हो वो चाहे यूट्यूब का हो या प्लस का स्टूडेंट हो क्योंकि मेरे बहुत सारे यूट्यूब यूट्यूब के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं सर ठीक है जिनको अफोर्डेबिलिटी का प्रश्न है तो वी ट्राई अवर बेस्ट टू शेयर एज मच एज वी कैन बट एट सर्टेन पॉइंट देर विल बिल लिमिटेशन से फॉर एक्जाम्पल आप कहते हो कि आंसर राइटिंग का परस्पेक्टिव है सर है ना या आप कह रहे होगी कि सर थोड़ा इंडिविजुअल गाइडेंस की भी आवश्यकता है ये इसको और डिटेल में करने की आवश्यकता है क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें बहुत ओपीनेटेड बनेंगे तो वो सब आपको प्लस के ऊपर मिलेगा तो प्लस में क्या होता है कि वहां लाइव कमेंट भी चलती है और मैं टाइम भी दे पाता हूँ सब ठीक है क्योंकि वहां रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पढ़ना है जिनको तैयारी अच्छी तरह से करनी है वो आएंगे सर ठीक है तो वो एटलीस्ट मेरे लिए भी इजी रहता है और आपके लिए भी इजी रहता है तो यू मेक अप योर माइंड बट इफ यू आर ट्राइंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यूज दिस कोड पी एन लाइफ सर ठीक है ना तो ये कोड को यूज करना मत भूलिएगा खैर हम लोग आगे चलते हैं अशोक के बारे में हम लोग ने अशोक के के तीन चार पॉइंट्स देख लिए हैं और मॉरियन एम्पायर के अंतर्गत हमने ओवरऑल इनकी स्टडी कर दी है मतलब वी हैव कवर्ड अप द मेजर पार्ट ऑफ द मॉर्न स्टेट एंड द मॉरियन एम्पायर आई पर्सनली फील दैट इसमें से मोटे मोटे प्रश्न आपके बन जाएंगे सर ठीक है अब मॉरियन एम्पायर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है हम लोग दो मिनट के अंदर उनको देख लेते हैं सर एक तो उनके ओरिजिन देख लिए थे और सोर्सेज देख लिए थे सर ठीक है उसके बाद मैंने इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बता दी थी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे सर ठीक है ना इसके साथ साथ हमने कल के क्लास के अंदर इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देखा था हमने आपको आर्मी के बारे में बताया था और एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर भी बता दिया था सर ठीक है एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत आपको ये बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस है सर ठीक है उसके बाद हमने देखा था कि अशोक का धम्म क्या है वॉट इज अशोका धम्म और अशोक का धम्म की कहानी के अंतर्गत मैंने आपको अशोकस एडिक्ट के बारे में इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ा दिया है सर ठीक है कि इनके इंस्क्रिप्शन की क्या प्रासंगिकता है और ये इंस्क्रिप्शन क्यों मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा सर ठीक है तो वी फाइंड एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शन आर ऑल्सो कवर्ड हमने ऑलरेडी कवर कर दिए है इसके साथ या इसके अलावा आप समझने की कोशिश करिए वेन वी सी द मोरियन स्टेट हम लोग जब मॉरियन स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं तो हमको और क्या चीज़ें मिल रही है वॉट एल्स वी सी ओवर हियर सर ठीक है वी कम टू नो दैट दी मॉरियन स्टेट एंड दी अशोक धमा जो फर्दर आगे एक्सपेंशन हुआ Uh, उसमें uh, हमको अब ये देखना है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोरियन एम्पायर एंड फाइनली विल ट्राई टू सी द डिक्लाइन ऑफ सर है ना एंड हम लोग देखेंगे कि इनका प्रीवियसियस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और क्या हमारे क्लास में से हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से मौर्य के आंसर अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो क्योंकि अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर पढ़ाई फ्यूटल हो जाएगी ऐसे बहुत लोग का मानना है खैर मैं ये नहीं मानता हूं पूरी तरह से क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है सर ठीक है ना आप जो भी पढ़ते हो वो आज नहीं तो कल आपको काम में ही आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर भी सर खैर तो जो भी पॉइंट है लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या डेवलपमेंट यहां पे हुआ मौरियन स्टेट को लेके मौरियन एम्पायर को लेके और ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखते हैं उसमें क्या क्या फर्दर इवोल्यूशन और इलाब्रेशन हो रहा है सर ठीक है सो लेट्स सी मोरियस का इंपॉर्टेंस क्या है और फाइनली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मौर्य का डिक्लाइन कैसे हुआ सर ठीक है ना तो मौर्य का सिग्निफिकेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं सर ठीक है तो हमेशा याद रखेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर फॉर द मोरियस ठीक है तो मोरियस का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ दो तीन चीज़ों के ऊपर दिखेगा कि इमरजेंस ऑफ मॉरियन एम्पायर वॉज एज अ मेजर लैंडमार्क ठीक है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा एम्पायर बहुत ही कम लोग ने बनाया मतलब हमने आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की थी और हमने देखा था कि यार इतना यहाँ से आज के कावेरी तक का आज के कांधार तक का इनका प्रभाव है पॉलिटिकल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है ठीक है या नीचे देखोगे तो अशोक ने यहाँ पे धम्म विजय किया था हमने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि इन द पिलर नंबर थर्टीन और सॉरी द रॉकेट नंबर थर्टीन अशोक हाईलाइटेड द इश्यू ऑफ धम्म विजय कि भाई देखिए मैं तो यहाँ पे धम्म विजय करके आया हूँ तो वो तो बहुत बड़ी लैंडमार्क चीज आपको दिख जाएगी सर ठीक है तो वी सी दैट जब हम लोग मोरियस को देखते हैं तो इंडिया में बहुत बड़ा एक आ, कह सकते हैं कि एक ग्रांड इमरजेंस हुआ था तो ठीक है और कहते हैं कि भाई जब ब्रिटिशर्स ने इसकी डिस्कवरी की तो वो थोड़ी हक्के पक्के रह गए थे कि यार प्राचीन भारत का कोई राजा इतना बड़ा साम्राज्य बना सकता है सर ठीक so, in है सो इंडिया वॉज देन अंडर कॉलोनियल रूल एंड वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नाइनटीन एंड ट्वेंटियथ सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देर वॉज एन एक्सायर एम्पायर इन इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग सर है ना एंड ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फंड एसोसिएटेड विद द मोरियस इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर्स वर कंसिडर टू बी बग्जाम्पल्स ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर सर ठीक है ना तो बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म था मैंने आपको बताया कि मोरियस का प्रासंगिकता क्या है सिग्निफिकेंस तो एम्पायर की अंतर्गत सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करिए सर ठीक है हम लोग अभी ये पॉइंट के ऊपर चले गए पॉइंट नंबर के ऊपर चले गए कि मौर्य के अंतर्गत उनकी प्रासंगिकता उनका महत्व बहुत बड़ा है और जब हम लोग महत्व को देखते हैं तो हमको क्या क्या चीजें मिल रही है डू वी सी ओवर हियर वी फाइंड कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मौरियस कैन बी सीन इन मल्टीपल वे कैसे दिख रहा है सर ठीक है तो पहला तो एक तो एम्पायर बिल्डिंग क्यों किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एम्पायर कोई बन पाएगा सर ठीक है ना किरिंग वो पॉइंट और नॉट है ना तो मौर्यस का सिग्निफिकेंस आपको पूछ सकता है कि भाई मौर्य का महत्व क्या है प्राचीन भारत के अंदर दूसरा आर्ट फॉर्म सर और आर्ट फॉर्म के अंतर्गत याद रखिएगा कि इन्होंने जो पिलर आर्ट बनाया है ना बहुत अद्भुत प्रकार के सर है ना मैंने आपको बताया ना अभी ये जो शेर वाले हैं लायन कैपिटल वाले बनाए हैं स्तूप बनाया अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए थे सर ठीक है एक किताब है बुद्धिज्म के अंदर यह कहती है कि अशोक हेडमेड एटी फोर थाउजेंड स्तूपास मतलब चौरासी हजार स्तूप मतलब थोड़ा एक्जेजरेट कर दिया है इट हैज बीन लिटिल बिट आउट ऑफ बट वी कैन से कि नंबर एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ स्तूप वर मेड बाय अशोक का सर ठीक है तो आर्ट फॉर्म के रूप में आपको स्तूप का महत्व दिख रहा है वी फाइंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द स्तूप वर मेड केव आर्किटेक्चर वॉज प्रपोज है ना तो कितनी सारी चीजें अशोक के द्वारा बनाई गई है सो मेनी थिंग्स वो एक्चुअली मेड एंड प्रपोज बाई अशोका सर ठीक है तो हम लोग जब जब मौर्यस को देखते हैं व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ अशोका एंड व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ द मोरियन एम्पायर तो आपको पिक्चर क्लियर रहना चाहिए कि मौर्यस में बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे इश्यूज़ को इन्होंने अच्छी तरह से और हम लोग कह सकते हैं कि ग्रांड वे के अंदर कवर भी किए थे सर ठीक है अब ये मौर्यस ही थे जिसे हम लोग इतना भी मान सकते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था सर ठीक है और इनके एडमिनिस्ट्रेशन से अंदर से हम लोग सीख सकते हैं कि इवन आज के तारीख में प्रेजेंट डे भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है सर ठीक है ना सो वी कैन से दैट इवन द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो लर्न आज की तारीख में मॉरियस के अंदर से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है और इवन प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो लर्न समथिंग पॉइंट सर ठीक है तो स्टोन स्कल्पर अच्छा है मूर्ति इन्होंने काफी अच्छी से बनाई है सर एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की है सर ठीक है तीसरा पॉइंट इसके अंदर से क्या दिख रहा है कि मेनी ऑफ द इंस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑन अशोक इंस्क्रिप्शन अशोक के जितने भी मैसेजेस थे दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रूलर्स सजेस्टिंग दैट अशोका वॉज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस ऑल्सो हम्बल देन लेटर रूरर्सोप्टेड ग्रांडियो टाइटल्स अब आप देखने की कोशिश करोगे तो इसमें हम लोग को एक चौथा पॉइंट इन्होंने डाला है वो है अशोक पर्सनैलिटी सर है ना कि अशोक की पर्सनैलिटी जो है वो काफी आपको दिखेगी सिंपल वे के अंदर इन्होंने बताया मतलब अशोक अपने आपको क्या कहता है, है देवम प्रियासी वट अशोक एक्चुअली टॉक्स अबाउट ही सेस की मैं देवम्प्रियासीड ऑफ द किंगसर ठीक है सो अशोक यहाँ पे यह बताने की कोशिश करता है मैं तो देवो का प्रिय हूं मैं यहाँ पे इनफैक्ट uh, है ना जो लो, जो भगवान है uh, उनका सबसे प्रिय शिष्य के रूप में हूँ और जितने भी लोग हैं जितने भी नागरिक हैं वो सब मेरे शिष्य हैं सर ठीक है दे आर ऑल माई डिसाइपल्स दे आर ऑल माई स्टूडेंट्स है ना तो ये चीज़ अशोक ने यहाँ पे बताई है तो अशोक का पर्सनैलिटी वेन कंपेर्ड टू लेटर किंग्स वो आपको बहुत हम्बल दिखेगा सो यू विल फाइंड अशोक वॉज वेरी हम्बल अशोक की जो पूरी कहानी है आपको बहुत ही शांत रूप में दिखती है और ज़्यादा उतनी प्रोमिनेंस के ऊपर भी नहीं दिखेगी सर ठीक है तो एक दो तीन चार इसके अंदर से ये भी पॉइंट इसके अंदर से ऐड कर सकते हैं ये चीज दर्शाती है कि आप धम्म को कैसे प्रचार करते हो और आप अपने इंस्क्रिप्शन्स के द्वारा सर है ना लोगों को किस तरह से अपने मैसेज को दर्शाने की कोशिश करते हो क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शन्स में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था अशोक के इंस्क्रिप्शन में उसने ऐसा कोई ग्रांड एक्सपेंशन का प्लान भी नहीं बताया ना ही मॉरियस को एक एग्रेसर स्टेट के रूप में उसने पोर्ट्रेट कराने की कोशिश की सर ठीक है तो ये भी मॉरियस का आपको एक इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए सर ठीक है ना सो तो इसी के कारण ये एनसीआरटी लिखती है कि सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द नेशनलिस्ट लीडर्स इन द अर्ली ट्वेंट सेंचुरी रिगार्डिंग हिम एज ए इंस्पायर फिगर कि भाई हमारा नेता कैसा हो अशोक जैसा हो सर ठीक है तो बीसवीं शताब्दी में जब आजादी का आंदोलन चला तो अशोक को बहुत लोग ने माना कि भाई साहब ये बहुत ही प्रोमिनेंट राजा के रूप में हुआ करते थे सर ठीक है तो करीबन डेढ़ सौ साल तक ये चलता है डेढ़ सौ साल या उससे भी थोड़ा ज्यादा पीरियड आपको यहाँ पे दिखेगा जो यहाँ पे ये लोग रूल कर रहे होंगे सर पॉइंट है ना बट वॉट डू वी सी आफ्टर वन एटी फाइव बी सी वी कम टू नो द मॉरियर्स विल कम टू अ डिक्लाइन सर ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं वॉट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ कि मैं आपको जब ये क्लास को पढ़ाना शुरू किया था व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली टीचिंग अबाउट दिस क्लास तो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल शुरुआत की थी सर ठीक है और क्रोनोलॉजिकल शुरुआत में हमने आपको आज तक के क्लास में यहाँ तक लेके आया है मतलब 321 से लेके या 325 से लेके 185 एटी बीसी तक का जो पीरियड है सर है ना द पीरियड फ्रॉम थ्री ट्वेंटी वन टू वन एटी फाइव दिस इज द पीरियड ऑफ द मॉरियन एम्पायर सर इसी पीरियड के अंदर आपका मोरियन स्टेट और मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन और मोरियन का पूरा का पूरा सेटअप चला करता था सर ठीक है एंड इसी पीरियड के बेसिस के ऊपर से वी कम टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉरियस तो इनका डेढ़ सौ साल तक या आप पकड़ के चलोगे तो वन सेवेंटी फाइव ईयरस तक इनका पूरा प्रोविनेंस रहता है एंड उसके बाद ये लोग डिक्लाइन में चले गए वन एटी फाइव में आके आते हैं ठीक है सो समर इन द वन एटी फाइव बी सी वी सी द एंड एंड द डिक्लाइन ऑफ द मॉरियन एम्पायर टू प्लेस सर ठीक है तो मॉरियस का डिक्लाइन हुआ उसके बाद पूरी कहानी खत्म होती है और मॉरियस के डिक्लाइन के बाद भारत की जो दशा और दिशा जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी सर ठीक है तो यहां एनसीआरटी क्या लिखता है उसके बाद मैं उसके डिक्लाइन थियरी के ऊपर जाऊंगी गोइंग इन द डिक्लाइन थियरी सर ठीक है सो ये कहता है कि uh,

थियरी के अंदर तो दे दिया गया है सर ठीक है कि भाई अशोक के मृत्यु के बाद हालत बदल जाती है कहानी ये चलती है मैं आपको थोड़ा ही ये मैपिंग से ही समझा देता हूँ या टेबल से ही समझा दूंगा तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड तो सर है ना तो 185 एटी फाइव बी के आसपास का पीरियड है जब मोरियस एंड हो गए सर अशोक का मृत्यु कब होता है समवेयर अराउंड टू थर्टी वन सर है ना तो दो और वन पकड़ के चलिए सर सो so पंद्रह और करीबन तीस साल मतलब अशोक के मृत्यु के करीबन पैंतालीस साल के बाद पास मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर अब हम लोग एक प्राइमाफेसीयर्स को काउंट करेंगे तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक अशोक का मृत्यु कब हुआ टू थर्टी वन में और टू थर्टी वन से आप थोड़े नीचे की तरफ आओ मतलब इकतीस और पंद्रह फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स ईयर्स हो गए तो इन बिटवीन अ पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव ईयर वी कैन काउंट इन बिटवीन अ पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव ईयर्स वी सी द फाइनल मॉरिन एम्पायर केम टू डिक्लाइन अब सवाल यहा था कि क्यों हो गया तीन राजा हमने पढ़े थे अशोक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में या मॉरियस की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सर ठीक है ना तो आज हम लोग क्या करते हैं कि डिक्लाइन की थियोरी के ऊपर चले जाते हैं सर ठीक है और डिक्लाइन की थियोरी में समझने की कोशिश करेंगे कि मौर्य का पतन कैसे हुआ सर ठीक है तो याद रखिएगा कि मौर्य के डिक्लाइन के अगर अगर आपको समझना है तो आपको उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी पहले हमने देखने की कोशिश की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी शुरुआत हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कब तक रूल कर रहे थे कब से कब तक तो उनका टाइम फ्रेम आप देखोगे तो 321 ट्वेंटी से लेके कुछ कुछ किताबों में 299 नाइनटी या 298 नाइन्टी का पीरियड दिया गया है सर उसके बाद आप देखोगे तो दूसरे आपको राजा दिखेंगे कौन थे बिंदुसार बिंदुसारो यू विल फाइंड द किंग कॉल्ड बिंदुसार एंड बिंदुसार वज द फादर ऑफ अशोक एंड बिंदुसारूल्ड फ्राम टू नाइनटी एट सेवेंटी थ्री समझे कि नहीं समझे एंड आखिर के अंदर हम लोग देखते हैं कि अशोक आया अब अशोक जो था वो 273 सेवेंटी से लेके 231 या 232 बीसी तक गया। उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए 185 बीसी तक आते आते वी फाइंड द डिक्लाइन विल टेक प्लेस है ना एक में इनका डिक्लाइन चला गया अब यहाँ से एक प्रश्न आता है आपको भी होना चाहिए कि ये तो क्रिकेट टीम की तरह हो गया थ्री डाउन हो गए थ्री डाउन समझ में आता है पहले नंबर का राजा डाउन गया दूसरे नंबर का राजा डाउन गया और तीसरे नंबर का राजा डाउन गया तीन विकेट गई ये तीन विकेट के बाद पैंतालीस के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव ईयर द होल एम्पायर अ फॉल समझ में आया कि नहीं आया तीन विकेट पहले तीन राजा सबसे मजबूत थे मौर्य में पहले तीन राजा सबसे मजबूत थे तीसरे राजा अशोक थे अशोक के मृत्यु के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव ईयर्स पूरा का पूरा सत्यनाश हो गया सत्यनाश होने का मतलब है कि साम्राज्य टूट गया तो आपको ये प्रश्न तो आना चाहिए ना दिस क्वेश्चन शुड कम टू यू कि मास्टर ऐसा तो क्या हो गया था कि यहाँ पे इन इनफैक्ट जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल गई है और मॉरियस बुरी तरह से इनफैक्ट खत्म हो गए और डिक्लाइन में चले गए सर ठीक है तो ये इसका प्रोमिनेंट पार्ट आपको दिखेगा यू विल फाइंड अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द मॉरियन स्टेट कि अशोक के समय पे जो पॉलिसीज लागू की गई थी उसके बाद उसके जो लेटर किंग्स थे वो उसको नहीं चला पाए और इसी के कारण ये डिक्लाइन में चले गए तो इनका जो आखिर का राजा था उसका नाम था बृहद लास्ट किंग के बारे में थोड़ा बता देता हूं सर ठीक है इनका आखिर का राजा था बृहद याद रखेगा बृहद रथ वॉज द लास्ट किंग ऑफ द मोरियन एम्पायर और कहते हैं कि जब बृहद का मृत्यु हुआ कैसे मृत्यु हुआ तो इसको मारा गया था बाय हिज ओन पुष्यमित्र शुंग हु पुष्य द जनरल ऑफ बृहद रथ पुष्यमित्र शुंग कौन था तो इसका एक सेनापति था जो विदिशा के अंदर का गवर्नर भी था और पुष्यमित्र शुंग ने को मार दिया और बृहदरथ का डिक्लाइन हो गया। फिर उसके ने का खून कर दिया तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था बृहद्रथ रथ उसका राजा था और इसके कारण खून कर दिया और उसने कैप्चर कर दिया तो होता यह है दोस्तों मॉरियस के डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और डिक्लाइन के पीछे का एक फंडामेंटल फैक्टर यह है कि शुंग डायनेस्टी ने रिवॉल्व कर दिया उसके ही सेनापति ने अपने राजा को मार के सत्ता हत्या ली और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल भी इसके अंदर आप लिख सकते हो क्योंकि आपने आज की तारीख में भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को उन्हीं के ही राजाओं को या मैं कहूँगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स को उन्हीं के ही सेनापतियों के द्वारा हटा दिया जाता है एंड इवेंचुअली वी विल सी दैट दिस विल लीड अल्टीमेटली टू अ कंडीशन वेयर डिक्टेटरशिप विल बी है ना ये मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज में आपको मिलता है हमारे आजू बाजू के पड़ोस के मुल्कों के अंदर ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी खैर पुष्यमित्र शुंग की कहानी क्या है पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ को मारा ऐसा कहते हैं और बृहदरथ को मारने के बाद ही कैप्चर्ड पावर और इसके बाद ये डिक्लाइन में गये। तो इसमें डिक्लाइन में में तो इसमें अलग एक, एक थियोरी चलती है कि शुंग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण थे और कहा गया है कि ब्राह्मीण रिएक्शन हुआ कि ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया और फिर ये जो बृहद्रथ जो था वो बुद्धिस्ट था क्योंकि अशोक के बाद ये जितने भी इनफैक्ट रूलर्स हैं वो बुद्धिस्ट थे एंड ही बीइंग अ किंग उसको मार दिया जाता है सर ठीक है पर ये थियरी गलत है सर मैं अभी बता देता हूँ उसके पीछे एक लंबी कहानी है बट मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको ये कहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ को मारा उसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र की कहानी आपको प्रोमिनेंटली नहीं दिखेगी ऐसे बहुत हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके बौद्ध को मार दिया ऐसा कुछ था नहीं बट ठीक है पर एक थियरी बोलती है एक थियरी यह चलती है कि भाई शायद तक ये ब्राह्मण था सच्चाई ये थी कि जब अशोक का मृत्यु हुआ ना उसके बाद बहुत सारे विदेशी आक्रमण हो रहे थे सर ठीक है सो आफ्टर द डेथ ऑफ जस्ट अ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैप के थ्रू कि आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका वी फाइंड कि देर वर मल्टीपल फॉरन इन्वेजन और जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे ना सर ठीक है तो उसमें हमको पता चलता है कि पाटलिपुत्र समवेयर ओवर हियर आपको देखेगा सर है ना सो यू विल फाइंड पाठ्यपुत्र समवेयर ओवर हियर एंड वी फाइंड की इस समय पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण हो रहे थे और यहाँ पे उस टाइम पे एक कम्युनिटी अटैक कर रही होती है जिसका नाम है इंडो ग्रीक कम्युनिटी सर तो ये जो इंडो ग्रीक कम्युनिटी के लोग हैं ना उसमें डिमेट्रियस करके एक राजा दिखेगा तो कहते हैं कि ये जो इंडो ग्रीक है ये पाटलिपुत्र तक आ गए थे बृहद्रथ इतना कमजोर राजा था बृहद्रथ इतना कमजोर राजा था जो ये चीजों को चला नहीं पाया टिका नहीं पाया और हो सकता है कि यहाँ पे विदेशी लोग आके स्थायी हो जाए तो ये चीज विदिशा जो आज का मध्य प्रदेश वाला रीजन है विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग बैठा हुआ था उसको जानकारी पता चलती है कि देखिए यहाँ विदेशी लोग आए हुए पाटलिपुत्र के ऊपर अटैक करने के लिए हमारे राजा क्या कर रहे हैं सेनापति कहता है कि अगर राजा प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो मैं प्रोटेक्ट करने आ जाएगा है ना मैं आ गया सर पब्लिक ने सपोर्ट किया बोले वाह वाह शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एक नंबर बात हो गई सर पुष्यमित्र सोंगा एक्चुअली यहाँ से जाके पाटलिपुत्र के अंदर गादी को टॉपल करेगा द पीपल ऑफ पाटलिपुत्र वेलकम्ड कि हाँ चलो आपने ये विदेशियों से हमको पीछा छुड़ाया तो होता ये है कि अशोक के बाद कमजोर शासक आए सर हेडिंग पॉइंट अशोक के बाद क्या हुआ वी फाइंड द रूलर्स वर क्वाइट वीक और जो शासक आपके कमजोर थे ना आपके रूलर्स जो कमजोर थे उसमें एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इशू क्रिएट हो गया कि भाई देखिए कि आपके शासक कमजोर है चीजों को चला नहीं पा रहे हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं है। तो कहानी यह है कि अशोक के बाद वाले जो रूलर्स थे वो काफी कमजोर थे एंड पोस्ट अशोक रूलर्स वर क्वाइट वीक तो अशोक के बाद वाले रूलर्स जो कमजोर आए उनके द्वारा काफी सारे इश्यूज क्रिएट हुए सर ठीक है सो वी कैन सी दैट पोस्ट अशोक फाइंड वीक रूलर्स वर देयर एंड वीक रूलर्स होने के कारण दे कुड नॉट डिफेंड अगेंस्ट फॉरेस्ट इन्वेशन कि विदेशी आक्रमण जो हो रहा है उसके सामने बचा नहीं पा रहे हैं मोरियल स्टेट को समझे कि नहीं समझे दूसरा क्या था कि जब राजा कमजोर होता है तो पॉलिटिकल वीकनेस भी आई और इकोनॉमिक वीकनेस भी आ जाएगी सर है ना राजकीय रूप से आप जब कमजोर होगे तो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो ये तो सामान्य कहानी बच्चों बच्चों को पता चलता है, सर। आज इंडिया एक है उसके पीछे का कारण है क्योंकि वी आर आर्थिक रूप से काफी मजबूत है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज आप देखिए उसके पीछे का कारण सर डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है हम लोग और जो पॉलिटिकल सिस्टम भी है इंडिया में काफी हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेबिलिटी लाती है ना यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी मोरियन स्टेट के अंदर तो फिर आपको इशू तो क्रिएट होते हुए दिखेंगे तो वी फाइंड की पॉलिटिकल वीकनेसेस आ गई अशोक के बाद और इसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो गए इनफैक्ट एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन यहां तक लिखता है कि इसमें अशोक का बुद्धिस्ट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है कि अशोक ने जो पॉलिसीज यूज की ना बुद्धिस्ट पॉलिसीज यूज की वो टू मच धम्म की तरफ चला गया था टू मच धम्म समझ में आता है सर एक हैश लगाते हैं सर है ना कि टू मच धमा अशोक कहता था कि वाई दिस धमा दिस धमा वाई दिस धम्मा सर है ना हर जगह के ऊपर वो धम्म की बात करता रहता है तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस वहां तक कहते हैं कि भाई ये तो अशोक के कारण ये हुआ है क्योंकि अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाई थी वो धम्म की नीति के अंतर्गत जितने भी लोग थे वो सबके सब इस तरफ मुड़ गए थे ऑल पीपल एक्चुअली मूव टूवर्ड्स धमा अशोक के बाद जितने भी राजा है वो बुद्धिज्म के ऊपर इतने चले गए एंड दे कुड कु सेव गार्ड द फ्रंटियर्स तो अशोक को काफी लोग फ्रेम करते हैं कि भाई ये अशोक के कारण ही हुआ है पर सच्चाई ये थी कि अशोक के समय पे कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ ऊपर से अशोक तो वहां तक कहता है कि मेरे धम्म विजय हुए हैं मैंने चंड अशोक की पॉलिसी छोड़ के धम्म अशोक की पॉलिसी अपनाई है उसका मतलब ये नहीं है कि मैं विदेशी आक्रमण को स्वीकार करूंगा आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ऑन काई लैंड

उसमें भी बहुत सारे इश्यूज उभर के आए सर गेटिंग ऑफ तो आप मोटे मोटे तौर के ऊपर पिक्चर को समझिए यू ट्राई टू सी द होल मैक्रो पिक्चर यहां पे हमको चीजें क्या दिख रही है और क्या समझ में आ रही है कि हम जब मौर्य की डिक्लाइन थियोरी देखते हैं तो इसमें कोई एक थियरी का हम लोग फंडामेंटल बेसिस नहीं बनाएंगे जैसे मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी पढ़ाया था कि उसकी डिक्लाइन में अलग अलग थियरी चलती है इकोलॉजिकल डिक्लाइन थियरी चलती है वाटर uh, फ्लडिंग की थियरी चलती है अर्थक्वेक की थियोरी चलती है है ना ड्रॉट की थियरी चलती है ट्रेड एंड कॉमर्स का इशू क्रिएट चलता है बहुत सारी थियरीज चलती है ना सर तो कोई एक थियरी इसके पीछे रिस्पॉसिबल थोड़ी है मल्टीपल थियरीज बिहाइंड दैट बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे सर समझे आप लोग ठीक है तो इतने पॉइंट आपको समझ में आया यू गॉट दिस मच पॉइंट कि इनकी डिक्लाइन थियरी के अंतर्गत तो इसकी डिक्लाइन के पीछे रीजन क्या है तो तत्कालीन रीजन तो यही है कि बृहद रथ को मारा गया तत्कालीन रीजन तो यही है कि बृहद जो है वो कमजोर राजा था और कमजोरी तो उसकी क्यों थी क्योंकि विदेशी आक्रमण हो रहे थे जब राजा अपने फ्रंटियर्स को नहीं बचा पा रहा था पुष्यमित्र शुंग सेनापति है पावर स्ट्रगल चल रही है और ये तो संसार की नियति आपको दिखेगी है ना कि जनरली जो मिलिट्री हेड होता है उसको लगता है मैं बड़ा और पॉलिटिकल हेड होता है उसको लगता है मैं बड़ा कुछ कुछ देशों के अंदर देखोगे तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को उठला के मिलिट्री पावर वाले जो होंगे वो सत्ता कैप्चर कर लेंगे सर है ना हमारे दोनों ईस्टर्न नेबर और वेस्टर्न नेबर दोनों जगह के ऊपर आपको ये चीज दिखेगी सर ठीक है तो आप चीजों को समझिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ द मोरियन एम्पायर एंड मोरियन स्टेट

टू थ्री हंड्रेड सीई याद रखेगा द पीरियड बिटवीन टू हंड्रेड बी सी टू थ्री हंड्रेड सीई मतलब पांच सौ साल का पीरियड आएगा सर क्योंकि हमने क्रोनोलॉजी में देखा था कि जीरो के इस साइड थ्री हंड्रेड और जीरो के पहले टू हंड्रेड मतलब अशोक के डिक्लाइन हो रहा था तब ये पांच सौ साल के पीरियड को हम लोग पोस्ट मोरियन इंडिया कहते हैं और ये जो पोस्ट मोरियन इंडिया था ये वो पीरियड है जब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है राजकीय रूप से बहुत चीजें बदल रही है शासकीय रूप से देखोगे तो बदलाव आ रहे हैं और फंडामेंटल चेंजेस होते हुए इंडिया की इकोनॉमी इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी कल्चर सब में चेंजेस आ रहे हैं ठीक है इस पीरियड के अंदर हमको देखने को मिल रहा है बहुत सारे रीजनल डायनेस्टीज फॉर्मेशन हुई ये वो पीरियड है जब भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में विदेशी डायनेस्टीज आके सेटल होती हैं तो आपको पहली डायनेस्टी दिखेगी इंडो ग्रीक्स सो ग्रीकस फाइंड इंडो ग्रीक डायनेस्टी ये इंडो ग्रीक कौन थे तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सेलेकस निकोटर के बारे में वी हैड अबाउट सेलेकस निकोटर तो सेलेकस निकोटर के बाद जो ग्रीक डायनेस्टी है वो भारत के साथ अच्छे मैट्रीमल रिलेशन बनाती है इंडियन कल्चर को स्वीकारती है और उनमें से एक नए ऑफरिंग नई जनरेशन डेवलप हुई जिसे इंडो ग्रीक कहा गया दूसरे देखोगे तो आपको शक डायनेस्टी दिखेगी शका सीथियंस कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे तीसरे देखोगे तो आपको दिखेंगे पार्थियन या ये ईरान से आए थे और चौथे आप देखोगे तो आपको कुछ आठ देखेंगे ये चार फॉरेन डायनेस्टीज थी ये कंटिन्यूसली 200 300 400 साल के पीरियड में भारत की तरफ आई नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आती कुछ कुछ लोग यहां गुजरात तक भी आए थे ये शक डायनेस्टी की एक ब्रांच गुजरात में आती है जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ये पोस्ट मॉरियन पीरियड में पाटलिपुत्र के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ और ये जो पाटलिपुत्र वाला रीजन है यहां आपको दो डायनेस्टी दिखेगी शुंग डायनेस्टी जो 185 से लेके 72 टू बी तक चलती है और ये शुंग डायनेस्टी का आखिर का राजा था वी विल फाइंड द किंग ऑफ द शुंग डायनेस्टी लास्ट किंग था उसको मार दिया जाता है बाई जोन मिनिस्टर वासुदेव कणवा ठीक है सो वी फाइंड द शुंग डायनेस्टी विल कम टू एन एंड एंड द कणवा डायनेस्टी विल कम टू पावर फ्रॉम सेवेंटी टू बी सी ऑनवर्ड एंड सेवेंटी टू से लेके 27 तक, टी से कणवाज टू पावर ये कणव ऋषि के वंशज थे ऐसा कहते हैं ये पाटलिपुत्र से लेके सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे मगध और से लेके विदिशा तक विदिशा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर जो सेंट्रल इंडिया में था सर ठीक है उसके बाद आप यहाँ देखोगे उड़ीसा कलिंग बिकेम इंडिपेंडेंट और यहाँ पे एक राजा आएंगे खारवेल वेरी पावरफुल किंग ऑफ द कलिंग डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट किंग है जिसने गुफाएं बनाई हाथी जाओगे चार सौ साल तक ये लोग पावर में रहते हैं साढ़े तीन सौ चार सौ साल तक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग हिस्ट्री इनकी है दखन के अंदर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से लेकर आज से आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में उनका प्रभाव आपको दिखेगा और ऊपर मालवा की तरफ भी और इनकी लड़ाई ये वेस्टर्न शतरप्स के साथ होंगी सो बी फाइटिंग द लास्ट बट नॉट लीस्ट विलन शतरप्स पार्ट ऑफ द कंट्री यू विल फाइंड थ्री रीजनल डायनेस्टीज कमिंग टू प्रोमिनंस जिनको बारे में अशोक ने बताया था यहां केरला के अंदर होंगे चेरा डायनेस्टी यू विल फाइंड द चेराज ओवर हियर यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे डायनेस्टी कॉल्ड इज द चोलास और तमिलनाडु के ही रीजन में आपको देखेंगे डायनेस्टीज द चोला द पंडिया एंड द चेरा डायनेस्टी ये तीन डायनेस्टी इसी पीरियड के अंदर प्रोमिनेंस के ऊपर आई सर ठीक और ये पूरे पकड़ के चलिए 200 हंड्रेड बी से लेकर थ्री हंड्रेड सी तक का पिक्चर रहेगा ठीक है मैं हट जाता हूँ बीच में से सो so देट uh, आपको अगर ये मैपिंग करना है तो इस हिसाब से कर सकते हो ये मैप दिया नहीं है इस प्रकार से ठीक है एनसीआर में ये मैप नहीं दी है पोस्ट मॉर्न इंडिया जब हम लोग शुरू करेंगे तो आपको बताऊंगा कि दिस काइंड ऑफ मैप इज एक्चुअली नॉट गिवन इन द बुक्स पर बुक्स में नहीं दिया होता है पर थियोरी में लिखा गया है कि ऐसा कुछ हुआ पोस्ट मॉर्न पीरियड में तो जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा आपको सो आई बी विद द पोस्ट मॉर्न इंडिया अगले क्लास में जब मैं आऊंगा ना आपको वापस तो मैं आपको पोस्टमार्न इंडिया से कंटिन्यू करवाऊंगा आपको बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं हो रही है पोस्ट पोस्टमार्न इंडिया में उन किन प्रकार के बदलाव होते हुए व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टू प्लेस इवेंचुअली ये चेंजेस के बेसिस के ऊपर हालात बदल गए जज्बात बदल गए सर ठीक है तो इतना पिक्चर क्लियर हो गया आपको कि क्या हो रहा है अशोक के बाद मौर्य का डिक्लाइन हुआ शुंग डायनेस्टी फिर कणवा डायनेस्टी आती है एंड फाइनली वी सी दैट ये पूरा का पूरा भारत बिखर जाएगा तो कल मतलब कल संडे है ना सर मंडे से विल बी स्टार्टिंग मोस्ट ऑबली विद द पोस्ट मॉर्न इंडिया कल समय मिला तो पोस्ट मॉर्न इंडिया का एक एक्सेशन ले लेंगे सर ठीक है तो आज हम लोग यहाँ पे मोरियन एम्पायर को कंक्लूड करते हैं लेट अस कंक्लूड द मॉरियन एम्पायर आई हैव गिवन इनफ टाइम एंड जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनसीआर खाली एनसीआर के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको टाइम और जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोग ये क्लासेस को देख रहे हैं बट एटलीस्ट प्लीज शेयर विथ है ना आपके जो भी मित्र हैं उनको शेयर करिएगा कि पृथीक नायक आपको यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहा है एनसीआरटी के अंदर से ही एक्स्ट्रापोलेट करके इंटरपोलेट करके दोनों करके करा रहा हूँ मैं और निकाल रहा हूँ कि कैसे इतिहास को देखना है किस इस हिसाब से हिस्टोरिकल चेंजेस हुए सर ठीक है और आप देखोगे तो पोस्ट मॉर्न इंडिया की टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है कि इंडो ग्रीक्स का भारत में आना चोला चेरास और पंडिया साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट के ऊपर हुए सतवाहन डायनेस्टी डेक्कन में प्रोमिनेंस के ऊपर आती है शक डायनेस्टी आई कुषाण आए कनिष्क करके राजा आपने नाम सुना होगा वो कुषाण डायनेस्टी का राजा था ना कनिष्क तो इन सब की कहानी आपको यहाँ दिखेगी यू विल फाइंड द स्टोरी ओवर हियर ठीक है ना एंड फाइनली वी फाइंड कि सत का जब चेंज होगा तो 320 तक आते आते गुप्ता डायनेस्टी आती है तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर के अंदर ओवरऑल टाइम फ्रेम आपको दिखेगी यू विल फाइंड ओवरऑल टाइम फ्रेम जो गुप्ताज तक लिंकअप करती है सर सर इट लिंक अप विद एज वेल ठीक है तो जब आगे की क्लास में मैं चलूंगा आपको आई बी मूविंग फर्दर क्लासेस तो मैं आपको लिंकअप करूंगा क्योंकि ये चैप्टर है ना 600 हंड्रेड सीई से लेके 600 हंड्रेड बी सी तक का चैप्टर है सर है ना आप ये चैप्टर का नाम देखोगे ना तो गजब नाम है सर है ना एनसीआर वाले नाम जोरदार लगते हैं सर ठीक है चैप्टर का नाम तो देखिए सर है ना बाबू ये चैप्टर का नाम देखिए किंग्स फार्मर्स टाउन्स यहां से शुरू किया हमने 600 से देखे। फिर जीरो आया और उसके बाद सिक्स हंड्रेड सीई मतलब कितने हो गए बारह सो साल का पूरा टाइम फ्रेम उन्होंने एक ही चैप्टर में दे दिया चैप्टर नंबर टू में ठीक है आधे से आधा बच्चे तो टाइम ले नहीं समझते देखिए यार इतिहास में बहुत फैक्ट है फैक्ट जितना रट्टा मारने की कोशिश करोगे उतना ही भूल जाओगे इतिहास का विषय पकड़ लो थीमेटिकली किताब का नाम भी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है ना द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो से थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री तो आपको जब थीम डाला गया है तो थीमेटिकल ही पढ़ो क्वेश्चन भी थीमेटिकल ही आएंगे देखने हैं क्वेश्चंस देखने हैं पक्का देखना है ना सबको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो कि हाँ सर देखना है क्वेश्चन यस सर है ना थोड़ा एक्टिव रहिए कमेंट के अंदर कब पूछूंगा ना कुछ कुछ प्रश्न तो बताइएगा कि हाँ सर हाँ सर हाँ सर है हा, ना देखना है तो थोड़ा हमको मोटिवेशन रहता है समझे कि नहीं समझे हाँ कुछ कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारा नाम ले लीजिए अरे बेटा नाम लेने से क्या होगा सर ठीक है हाँ चुन्नू मुन्नू गोलू हाँ ये सब नाम लेने से क्या होगा सर है ना बेटा आप हमारा स्टूडेंट हो और आप कुछ ऐसा कार्य करो कि पूरी दुनिया आपका नाम ले सर है ना मेरे नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा समझे कि नहीं समझे यू डू समथिंग दैट जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है वो आपका नाम ले कि हम मोटिवेटेड हुए बोले किससे मोटिवेटेड हुए कि बोले गोलू से मोटिवेटेड बोले गोलू गजब की तैयारी करता था और नायक की क्लास में आता था और खुद कहता था कि सर हमारा नाम लीजिए प्रतिक नायक ने गोलू का नाम तो ऐसे लिया नहीं गोलू इतना आगे चला गया कि आज पूरा का पूरा स्टूडेंट फेटरिटी गोलू को पहचान था। वन आया तो प्रतीक नायक भी उस टाइम पे बढ़ा चढ़ा के नाम देगा है ना डंके की चोट के ऊपर बताएगा कि वाह भाई साहब गोलू ने कर दिखाया है ना चलिए ठीक है, है तो कमेंट्स कमेंट्स के अंदर ऐसे बच्चे करते रहते हैं कि सर नाम लीजिए प्लीज टेक माय नेम है ना बोला बेटा नाम क्या है सर है ना नाम में क्या रखा है शेक्सपियर बोल के गया था चलो तो वापिस आते हैं लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट क्वेश्चन करा रहा था मैं प्रीवियस के क्वेश्चन करा देता हूँ आ, ये चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट के ऊपर चले जाते हैं हमने डिक्लाइन की थियोरी देख ली है और सिग्निफिकेंस देख लिया है ठीक है सो so, आज हमने क्या देखा है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरियस डिक्लाइन अब प्रीवियस के क्वेश्चन देखते हैं करीबन पाँच छः क्वेश्चन इन्होंने पूछे है लेट सी कि आप मेरे क्लास से ये क्वेश्चन अटम्प कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो सर ठीक है मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको इसके प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ और आपको ये बताओ कि अगर प्रश्न आते हैं तो क्या स्लाइड्स के अंदर से सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे समझे कि नहीं समझे तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको है ना थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स के बीच में देता रहूँगा इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन और फिर उसके बाद मैं आपको इसका डिस्कशन भी करवाऊंगा सर ठीक है ना सो लेट्स स्टार्ट टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी द प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं कहाँ गया है. कहां भाई साहब कहाँ गया कहाँ गया ये रहा सर ठीक है ना तो एक एक करके चलेंगे आल टेक अराउंड पकड़ के चलिए थ्री टू फोर मिनट्स टू तो एक्सप्लेन एज वेल और आपको थर्टी सेकेंड सॉल्विंग के लिए भी दूंगा सर है ना लंबा क्वेश्चन होगा तो एक मिनट तक सॉल्विंग के लिए दे दूंगा सर ठीक है एंड मैं क्या करूंगा कि अल पुट अ स्टॉप वॉच ओवर हियर स्क्रीन के ऊपर स्टॉप वॉच नहीं है आज आई uh, थॉट कि स्टॉप वॉच स्क्रीन के ऊपर डालना था बट थोड़ा रह गया सर ठीक है ना सो लेट्स सी हम लोग यहाँ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आ, ये टॉपिक्स है इसके अंदर से प्रश्न कहाँ से आए थे सर ठीक है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वर आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक्स और इनका क्या महत्व और प्रासंगिकता रहता है सर खेरा जस्ट अ सेकेंड ओके चलिए सर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर चले जाता है 1997 के अंदर पूछा गया है और क्या पूछा गया है आपको uh, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन दी पर्सनल नेम ऑफ अशोका ठीक है ना इनमें से कौन से एडिक्ट के अंदर अशोक का पर्सनल नाम दिया गया है क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन के अंदर या कौन सी जगह के ऊपर अशोक का पर्सनल नाम दिया गया है सर ठीक है ना प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और उसका आंसर मैं आंसर की बताता रहूंगा सो so दैट आप एंड में उसको टेबल फॉर्मेट के अंदर लिख दीजिएगा सर ठीक है बोला क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका इसमें दिया गया है थर्टी सेकेंड्स दे रहा हूँ सर ए कलसी बी रोमेंडी कलिंग स्पेशल एडिक्ट एंड चौथा कौन सा है मस्की कलसी रोमेंडई कलिंग स्पेशल एडिक्ट एंड मस्की पर्सनल नेम ऑफ अशोका अशोका व्यक्तिगत नाम कहाँ पे दिया गया है योर लास्ट टेन सेकेंड्स है ना चलिए आखिर के पाँच सेकेंड चलिए सर ख़त्म करते हैं ख़त्म करते हैं, ख़त्म करते हैं, ओके चलिए सर ठीक है ना? कल सी रुमेंडी, कलिंग एंड मस्की इसका क्या राइट आंसर होगा सर याद करिए कि कल सी ये मेजर रॉक ये कहाँ पे आया है उत्तराखंड के अंदर कल पढ़ाया था रोमंडी के अंदर ये अशोक ने यहाँ पे धम्म के बारे में बात की है और ये लुम्बिनी के अंदर आया है लुम्बिनी मतलब नेपाल के अंदर जो बुद्ध का बर्थ प्लेस है जहां पे अशोक ने सोशल मैसेज का अब करा है कलिंग स्पेशल एजिक के अंदर भी अशोक ने धम्म की बात की है वो क्यों किया गया था सर हमने पढ़ा था ना स्पेशल एडिक क्यों है इसमें दो जगह थी ना धोली एंड जगोड़ा याद करिए धोली एंड जगोड़ा सर है ना उसको स्पेशल इशू करवाए गए थे अशोक के द्वारा मस्की इज द राइट प्लेस मस्की कहाँ पे आया है साउथ इंडिया के अंदर सर ठीक है मस्की इज अ प्लेस वेयर माइनर रॉक इज़ देयर तीन जगह ऐसी है देर आर थ्री प्लेसेस जहां पे अशोक का पर्सनल नाम लिखा गया था कल का क्लास याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था मस्की मस्की के साथ साथ नित्तूर और नित्तुर के साथ साथ गुजरा उसमें जो गुजरा है वो एक ऐसी जगह है दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया मस्की एंड लोकेटेड इन साउथ इंडिया किडिंग पॉइंट याद रखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो राइट right आंसर आएगा वो है डी है ठीक so right है ना सो द राइट आंसर इज मस्की एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू है ना मस्की का इंपॉर्टेंस क्या है सर ठीक है कल का क्लास याद करेगा प्लीज़ रिमेंबर येस्टर्डेज क्लास आपको मिल जाएगी मैंने ये इंस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ाया हुआ है सर ठीक है सो so, पिछले क्लास को अगर आप याद करोगे ना इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस क्लास तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की है सर ठीक है ना आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस दिस इज मस्की सर ठीक है दूसरी है नेतुर नेतुर दिख रहा है आपको यहाँ पे और तीसरी है गुजरा गुजरा में है सर। है सर ठीक गुजरा मस्की एंड ये तीन जगह पे अशोक का प्रिय नाम है मतलब अशोक खुद अपना नाम लिखता है बाकी सब जगह पे क्या किया है? अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी के रूप में कैटेगराइज करवाया सर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन जो है उसका राइट आंसर क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर बेटा जो होगा वो होगा आपका मेनली डी वन का डी होगा सर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है डी एंड डी क्या है मस्की है सर ठीक है सो आंसर इज मस्की ये रहा ठीक है जिसका मस्की है वो प्लस टू कर दीजिएगा जिसने गलत टिक किया है वो कल का क्लास देखेगा कल के क्लास में मैंने ये जगहों के भी मेंशन की है सर ठीक है आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट द नेम्स एज वेल खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सर 97 में ये पूछा गया था इंटरेस्टिंगली पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है ना कोई भी स्क्रिप्ट होती है वो दो तरह से लिखी जाती है जैसे मैं लिख रहा हूँ या हम लोग जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं रोमन स्क्रिप्ट है अंग्रेजी की वो कैसे लिखी गई है ऐसे लिखी गई है सर है ना यहाँ से पढ़ने की शुरुआत करते हैं और पढ़ते 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 यहाँ पे उसको एंड करते हैं राइट सर ठीक है तो ये कहाँ से शुरू हो रही है लेफ्ट से शुरू होकर राइट में जाती है प्रश्न क्या पूछा गया है इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है ब्रह्मी नंद नगरी शारदा स्क्रिप्ट एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट ब्रह्मी नंद नगरी शारदा एंड खरोस्ती ये चार में से कौन सी राइट टू लेफ्ट लिखी गई राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होगा यू लिखी गई है सर तो राइटिंग यू लिखा जाता है ऐसे यू लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक हम नॉर्मल स्क्रिप्ट क्या देख रहे हैं यूं से यू चल रहे हैं ये पढ़िएगा सर ठीक है तो यहां से शुरुआत होगी यहां से स्टार्ट होगा और फिर इस डिरेक्शन में जाके एंड होगा सर कौन से स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी गई है ब्रह्मी नंदनगरी शारदा एंड खरोस्ती कौन सा होगा थर्टी सेकेंड देता हूं बताइए सर ये भी हमने पढ़ा था वी हैव ऑल्सो सीड दिस क्वेश्चन ब्रह्मी तो अशोक की स्क्रिप्ट है लोकल स्क्रिप्ट है प्राकृत के लिए यूज होती थी ब्रह्मी वॉज एक्चुअली यूज फॉर प्राकृत एंड uh, ब्रह्मी वॉज एक्चुअली यूज फॉर प्राकृत वी डू गेट इंस्टेंसेस कि ब्रह्मी की प्रासंगिकता है सर ठीक है और यहाँ की स्क्रिप्ट जनरली वो कैसे लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है नंद नगरी या पीछे देखोगे नगरी नगरी से ही देव बनी समझ में आया कि नहीं आया सर ठीक है तो ये भी एक ऐसी स्क्रिप्ट है आप पकड़ोगे मूल तह से वो भी लेफ्ट टू राइट लिखी गई है शारदा स्क्रिप्ट ये संस्कृत का ही एक एक्सटेंशन आपको दिखेगा जनरली नॉर्थ इंडिया में कश्मीर के अंदर और वहां पे शारदा लिपि चलती है ग्रंथी के अंदर वो भी लेफ्ट टू राइट है खरोस्ती स्क्रिप्ट एक ऐसी है ये फॉरेन स्क्रिप्ट है और फॉरेन स्क्रिप्ट के अंतर्गत ये जो ईरानी लोग आए थे ना भारत में पर्शियंस ये खरोस्ती लिपि को लेके आए हैं खरोस्ती स्क्रिप्ट ऐसी है वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है बाकी तीनों की तीनों लेफ्ट टू राइट चलती है बाकी तीनों की तीनों कैसे चलती है लेफ्ट टू राइट चलती है खरोस्ती चलती है वो राइट टू लेफ्ट चलती है सर ठीक है और इसका राइट right आंसर क्या होगा डी होगा क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर टू जो है उसका राइट right आंसर क्या होगा वो डी आएगा सर ठीक है तो आप में से जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू में डी किया है वो प्लस टू कर दीजिएगा वो प्लस टू कर दीजिएगा अब आपको ये सवाल आएगा कि मास्टर ये आपकी स्लाइड्स में था कि नहीं था तो ये एन में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है और मैं आपको फिर से एविडेंस के साथ बताऊँगा क्योंकि मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और वो यही है कि मैं यहाँ पे इनफैक्ट आपको क्लियर कट चीज़ें बताता रहो ठीक है so, सो अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में बोला गया है और यहाँ बोला गया है खरोस्ती के बारे में सर ठीक है और खरोस्ती जनरली वेस्टर्न पार्ट के अंदर यूज हुई है यहाँ पे हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था तो इनके बेसिस के ऊपर से भी हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कहानी है और अगर आप पिछले क्लासेस को याद करोगे तो मैंने क्लासेस के अंदर क्लासरूम के अंदर बताया हुआ है कि इनके इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत खरोस्ती की आपको महत्व दिखेगा और ये जो खरोस्ती इंस्क्रिप्शन है मूल तह से वो राइट टू लेफ्ट के अंदर यूज होगी इवन प्रिंप्ट जो है प्रिंसेप्ट भी उसको हाईलाइट करके बताता है कि ये राइट टू लेफ्ट के अंदर इनफेक्ट डेवलप हो रही है ठीक है ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए यू शुड नो द आइडिया क्लियर कट कि कहाँ से यूज हो रही है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा ना थोड़ी तो आइडिया होगी कि भाई ये जो लैंग्वेज है आपकी क्या कहते हैं ब्रह्मी है ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज है सर ठीक है तो यू कैन इजिली कैटेगराइज एज वेल उसको निकाल भी सकते हो खैर सर ठीक है ना तो याद रखेगा कि खरोस्ती जो है ये आरामिक भाषा के साथ लिंकअप हो गई है एंड इसको एट टाइम्स आप देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट में यूज होता था ये राइट टू लेफ्ट होती है नगरी स्क्रिप्ट जो है दैट इज दी ओरिजिनल स्क्रिप्ट नंद नगरी है वो उसका एक वेरिएशन है बेसिकली आप देखोगे सेवन सेंचुरी के आसपास उसका डेवलपमेंट हुआ था नंद नगरी का सर ठीक है शारदा स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया ये भी एक लिपि है मूल तरह से हम लोग देखेंगे कि कश्मीर वाले रीजन के अंदर ये जो संस्कृत भाषा है ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई थी सर ठीक है तो ये स्क्रिप्ट का नाम याद रखेगा यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं खैर तो एक प्रश्न ये था क्वेश्चन नंबर टू अब लेट्स गो टू तो क्वेश्चन नंबर थ्री सर ठीक है क्या बोला गया है बहुत इंटरेस्टिंगली बोला गया है कि द मेजर रॉक एडिक्ट अशोका द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट टेल टेल्स अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड द रॉक एडिक्ट यहां पे चार ऑप्शन दिए हैं आपको और बताया है कि संगम राजाओं के बारे में संगम मतलब साउथ इंडियन राजाओं के बारे में अशोक ने मेजर रॉक एडिक्स में कहां कहां पे उनका मेंशन किया है रॉक एडिक नंबर वन एंड टेन एडिक नंबर वन एंड एं रॉक एडिक नंबर टू एंड थर्टीन एंड एडिक नंबर टू एंड फोर्टीन समझ में आ रहा है प्लीज रिकॉल येस्टरडेज क्लास कल के क्लास को रिकॉल करिए और कल का क्लास अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको क्लियर कट इसके अंदर से डिस्कशंस और एविडेंसेस मिलेंगे कि अशोक ने संगम राजा और संगम राजा का मतलब कौन सा है सर द चोला डायनेस्टी द चेला डायनेस्टी एंड तीसरी कौन सी थी द है ना तो ये तीन डायनेस्टीज के बारे में कौन से रॉकेटिक के अंदर बताया है नंबरिंग को याद रखो मैंने आपको कल के क्लास में भी नंबरिंग बताया था तो क्वेश्चन नंबरिंग बेस भी आता है लैंग्वेज बेस्ड भी आता है इंस्क्रिप्शन बेस्ड भी आते रहते हैं सर ठीक है और इसी के अंदर से आपको ये पूछा गया है रॉक एडिक विद टॉक्स अबाउट संगम किंगडम योर टाइम स्टार्ट नाउ थर्टी सेकेंड्स आई गिव यू एक या नौ नंबर में एक नंबर में अशोक ने क्या साउथ के, के राजाओं के बारे में बताया था और दस नंबर के अंदर बताया था ग्यारह नंबर के अंदर तेरह नंबर चौदह नंबर टू एंड फोर्टीन टू एंड थर्टीन वन एंड एलेवन वन एन टेन फैक्चुअल है बट थीम याद करिए सर थीम याद करिए सर है ना वट वॉज द थीम दैट वी हैड डिस्कस यस्टरडे वट वॉज द थीम दैट वी हैड डिस्कस युडे याद करो थीम को भाई साहब वो याद करो थीम को बंद करते हैं एक नंबर का जो इंस्क्रिप्शन था या एक नंबर का एडिक्ट था उसमें अशोक ने क्या बताया था उसमें बताया था कि आप बैन लगा दीजिए जानवरों की बलि चढ़ाने के ऊपर और आप बैन लगा दीजिए जो फेस्टिवल्स के अंदर आप फ्यूटाइल खर्चा करते हो उसके ऊपर याद करो सर ठीक है वी है तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऑटोमेटिकली एक नंबर तो आएगा ही नहीं उसमें तो बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स था वो मोर काट के खा जाता था ना मैंने बताया था कल के क्लास के ठीक है अब आता है टू एंड थर्टीन एंड टू एंडीन अब याद करिए कि अशोक दो नंबर के इंस्क्रिप्शन में अपने राजाओं के बारे में बताता है कि मेरे अलावा और भी राजा थे और थर्टीन वाला सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन था इफ यू आर एबल टू रिकॉल दो नंबर के इंस्क्रिप्शन में ही अशोक ने एडिक के अंदर बताया था कि मेरे अलावा साउथ के राजा भी है और ग्रीक राजा था एंटी ऑक्स के साथ मेरे डिप्लोमेटिक रिलेशन है है ना वेस्टर्न एशिया के अंदर और थर्टीन नंबर के इंस्क्रिप्शन पे अशोक ये भी कहता है कि मैंने ये राजाओं के ऊपर धम्म विजय अचीव किया है इनफैक्ट आपका आंसर भी यही है अगर आपको ना पता है तो बता देता हूं मैं सर नंबर का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें तो उसने लोकेशन बताई है गिवन लोकेशन ऑफ याद करो कल के क्लास को याद करो डेढ़ घंटा पढ़ाया था सर कल के क्लास में डिसलाइक मारा क्यों डिसलाइक मारा पता नहीं आज क्वेश्चन देखे फफड़ में आ गई सबको पता चला कि भाई ये तो लुचा हो गया अकड़ निकाल देता है यूपीएससी आपकी एडिक्स के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे तो कल जब एडिक्स पढ़ा रहा था वो भी किताब के बाहर का पढ़ा रहा था ना बुक में तो दिया नहीं NCRD में रॉक सी नंबर टी अशोक डिस्क्राइब्स एडिक अदर किंगडम्स ऑफ चोला एंड द चेरास ऑफ द साउथ इंडिया बताया रॉक एडिक नंबर थर्टीन कहा गया रॉक रॉकेडिक नंबर थर्टीन ये रहा द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट धम्म विजय एंड द धम्म विजय इन साउथ इंडिया मूंग इंक्लूडिंग सिलॉन याद करिए पिछले क्लास को कल पढ़ाया था फोर्टीन में क्या बताया इंस्क्रिप्शन एक नंबर के अंदर क्या बताया है वट ही टॉक्स अबाउट द बैन ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स है ना कि ये जानवर को बली चढ़ा रहे हो उसके ऊपर बैन लगा दे तो बैन लगाना सा होती है ना ठीक है तो एलिमिनेशन से भी हो सकता है अगर एलिमिनेशन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले क्लासेस को अटेंड करोगे तो भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर ठीक है बाय डूइंग द एलिमिनेशन और यू अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस आइदर ऑफ द केस आइदर ऑफ द केस बट यू कैन डू दैट है ना एक नंबर जो एलिमिनेट हो रहा था वहाँ फॉरन किंगडम्स की बात ही नहीं की है चोला चेरा और पंड्यास की सर ठीक है कल का क्लास याद करोगे प्रीवियस तीन क्वेश्चन अभी तक कराया है i have taught you three questions all three can be asked and they can be answered from the live class so those students who are actually leechers i would say main kyu keh raha hu ye wo log hai jo dhyan bhatkane ka kaam karte hai sincere student ka ye wo log hai जो बच्चों को बहकाने का काम करते हैं कि उधर चला जा इधर चला जा है ना इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला अरे फिसल गया मैं किसी के संग ना हो चला तेरे संग नहीं होगा फिर आप कहीं के नहीं रहोगे याद रखेगा जो बच्चे यहां कमेंट्स के अंदर फालतू का टाइम पास करवाते हैं या हेट कमेंट लिखते हैं टाइम्स उनके लिए ये बता देता हूँ कि ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब क्लासेस अटेंड करोगे और ये क्लासेस आप पेड क्लासेस भी ये प्लस मेरे स्टूडेंट्स को भी हमने पढ़ा है ऐसा नहीं है कि यहाँ हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि यूट्यूब प्लस में जो फाउंडेशन में जरूरी है वो तो यूट्यूब में ही दे देंगे पर उसके बाहर भी आपको पूछता है ना यूपीएससी द प्रॉब्लम तो जितना हो सके उतना तो मैं आपको यहाँ पे ही करवा दूंगा उसके बाहर जो जाना है फिर मैं आपको आप लोग है ना तो मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ सर तो आपके आजू बाजू वाले जो क्रीचर्स है ना उससे थोड़ा मैं कहूंगा कि वॉन हो जाइएगा क्योंकि वो ना आगे आएंगे और आपको भी आने नहीं देंगे याद रखेगा जितने भी बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं ना तो प्लीज बी श्योर अबाउट दिस है ना वट एवर आई एम टीचिंग प्लीज मेक श्योर व्हाट एवर आई एम टीचिंग विल बी एप्स्यूटली रिलायबल फ्रॉम द एग्जाम परपेक्टिव एंड ऑल्सो इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूपीएससी हाउ द नेचर ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट है ना, sure. ना? प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसमें भी उतनी ही रिलायबल रहेगी खैर ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसका आंसर क्या आएगा थ्री का आएगा सी सर है ना क्वेश्चन थ्री जो है इसका आएगा थ्री सी आएगा सर ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर थ्री का हम लोग सी कर देते हैं सर ठीक है अब लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर चौथे क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं लेट्स क्वेश्चन नंबर फोर और उसका देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है सर ठीक है पूछा गया अकॉर्डिंग टू अशोक एडिक्ट एन सोशल हारमोनी अमोंग द पीपल वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिलीजियस डिवोशन असरशन दिया है ही स्प्रेड द इक्विटीज इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन है ना और असलशन रीजनिंग में दिया गया है योर टाइम स्टार्ट नाउ आई एम गिविंग यू फोर्टी सेकेंड कि अशोक के एडिक्ट के अंदर सामाजिक भाईचारे की बात की गई है और वो कहता है कि कर्म कांड रिलीजियस डिवोशन की जगह आप साथ में रहिए क्या अशोक ने सात नंबर के एडिक्ट के अंदर टॉलरेंस की बात की है कि नहीं की है क्या बारह नंबर के एडिक्ट के अंदर अशोक ने टॉलरेंस की बात की है कि नहीं की है याद करिए सात बारह है ना ये जमीन का एक दाखिला निकल गया है वो हारमोनी तो बात करता है वो कहता है कि लोगों को साथ में रहना चाहिए स्टेटमेंट करेक्ट है है ठीक कल का क्लास फिर से याद करिए एडिक्स के अंदर हमने पढ़ाया था उसकी थियोरी को स्प्रेड द इक्विटीज आइडिया ऑफ इक्विटी यस सही है वो लोगों के वेलफेयर की बात करता है वो कहता है कि सब बराबर है यहाँ पे एक धर्म का प्रचार नहीं कर रहा था अशोक अशोक वॉज एक्चुअली स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ इक्विटी सब बराबर सब मिलकर साथ में रहेंगे सर ठीक है तो क्या ये इसके साथ मैचअप हो रहा है मैं कहूंगा हाँ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को उठा के देख लीजिएगा अशोक ने हमेशा भाईचारा की बात की है अशोक ने हमेशा ये बताया है कि लोगों को साथ में रहना चाहिए और लोगों के बीच में जो वाद विवाद है उसको खत्म करना चाहिए और इसके कारण अशोक के एडिक्स जितने भी एडिक्स एडिक्ट ना उसमें यही बात की है सात बारह को क्यों बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगी ये देखिए इसको यहाँ पे टॉलरेंस की बात की है वो कहता है कि भाई आप शांति से एक दूसरे के साथ रहिए सर ठीक है उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो उसने पॉपुलर सर्मेस को कंडम करने की बात की है रिलीजियस डिवोशन के ऊपर ना जाते हुए सर ठीक है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने फिर से यहाँ पे बताया कि आप शांतिप्रिय रूप से जितने भी संप्रदाय है सब साथ में रहिए सोशल हारमोनी की बात करता है वो कहता है कि मैं वेलफेयर करूंगा सर है ना गेटिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया तो देखिए हमने जो क्लास में कल का क्लास जो किया था ना येस्टरडेज क्लास दैट इज एक्चुअली मोर रेलेवेंट फॉर अस कल हमने जो क्लास किया था वो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट रहा है सर इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग ऑफ द हिस्ट्री सर ठीक है वरना तो क्या होगा कि सब ऊपर से चला जाएगा ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसका क्या होगा ए आंसर राइट होगा। प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा दोस्तों वो होगा ए। पॉइंट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर चले जाते हैं लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है उसके ऊपर चले जाएंगे क्वेश्चन ना अशोक के ऊपर से प्रश्न है ये रहा सर ठीक है ना अशोक का एनेक्स्ट कलिंग टू मोरियन एम्पायर था कलिंग को कैसे उसने जीता याद आया कि नहीं है कलिंग कंट्रोल लैंड सी रूट टू तो साउथ इंडिया अरे भाई साहब क्या सही है इसमें फिर से असल रीजनिंग पूछा गया है अशोक ने कलिंग का एनेक्सेशन किया किया कि नहीं किया अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है यस किया है भाई साहब कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू तो साउथ इंडिया सही की गलत है सही है भाई साहब याद करिए पिछले क्लास को कि पाटलिपुत्र से अगर आपको साउथ में जाना हो तो दो रास्ते थे एक रास्ता था सेंट्रल इंडिया से होके साउथ में जाना पर बीच में विंध्यास की और सतपुड़ा की पहाड़ी आ जाती है नदियाँ आती है प्लेटू का रीजन आता है जंगल आता है बहुत इश्यू होता है सर अगर साउथ इंडिया जाना हो तो दूसरा रास्ता हो सकता है वो है वाया कलिंग और यहाँ से भी आप साउथ इंडिया को कैप्चर कर सकते हो ये सब रीजन में एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि कलिंग वॉज अ वेरी आई वुड से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली स्टेट जो सी रूट को भी देता है एक्सेस देता है देता है अशोक चाहता है वो जीत जाए तो क्या करेक्ट ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों दिस इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन सो ही न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ कलिंग और उसके बाद उसने क्या किया वहां पे स्पेशल एडिक्ट लॉन्च किया क्या नाम रखा कलिंग स्पेशल एडिक्ट कहाँ पे डाले गए दो जगह के ऊपर आपको दिखेंगे। धौली के अंदर और जगोड़ा के अंदर धौली एंड जगोड़ा दिस आर द टू प्लेसेस वेर द स्पेशल एडिक्स एक्चुअली इंस्टॉल बाय अशोक टू कन्वे द मैसेज कि भाई अब देखिए आप मेरे संतान हो मैं आपका फादर हूँ है ना एडिम समझ में आया आपको तो ये चीज याद रखेगा कि क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर फोर फोर का ए है हम लोग एक सेकेंड यहाँ कर देते हैं और फाइव का जो है वो भी ए होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का भी क्या होगा वो भी ए होगा सर ठीक है तो पांच क्वेश्चन हमने देखे पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया है पिछले क्लासेस देख के ये एम को सॉल्व करिएगा मैं ये नहीं कहूंगा कि एम को ऐसे ही सॉल्व कर दो हवाबाजी में एटलीस्ट आप पिछले क्लासेस को देख के एम को सॉल्व करोगे ना तो आई डोंट सी कि आप ये क्वेश्चन को क्यों ना सॉल्व कर पाओ सर है ना आराम से कर पाएंगे ठीक है इंटरेस्टिंगली uh, आपको क्या पूछा गया है द अलहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एक्चुअली एसोसिएटेड ऑफ द फॉलोइंग अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सर सर इज एसोसिएटेड ऑफ द फॉलोइंग अलाहाबाद का जो स्तंभ है किसके साथ जुड़ा हुआ है महापद्मानंद चंद्रगुप्त अशोक और समुद्रगुप्त अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है इज रिलेटेड टू हमने पढ़ा सबसे पहले अशोक आता है फिर समुद्र गुप्त आता है वी हैड डिस्कस ना इन द प्रीवियस सेशन प्रीवियस नहीं आज ही पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले अलाहाबाद पिलर के ऊपर उसमें अशोक के मैसेज है अकबर के मैसेज है जहांगीर का मैसेज है अशोक की क्वीन है सर ठीक है और समुद्र गुप्त की पर्सनल कहानी भी आपको दिख जाएगी सर ठीक है तो ये दो में आया था मोस्ट ऑबली इसका आंसर हम लोग सी के हिसाब से जाएंगे कुछ कुछ लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त भी हो सकता है पर उसके लिए ये शब्द यूज हुआ है प्रयाग प्रशस्ति तो जब प्रयाग प्रशस्ति नाम आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये समुद्रगुप्त के लिए गया पर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है प्रॉपरली वो अशोक के द्वारा ही सबसे पहले इशू किया गया मतलब कौशंबी हमने देखा था ना इसको हम लोग क्या कहेंगे कौशंबी के रूप में पहचानेंगे क्योंकि इसको शिफ्ट किया गया था ना कौशंबी से इलाहाबाद में या फिर प्रयाग कहते हैं उसको ठीक है ना तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए और सी ही रहेगा काफी लोग कहते हैं कि डी आ सकता है पर डी के लिए ये शब्द यूज होता है प्रयाग प्रशस्ति तो शब्द देखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है उसका आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसका आंसर सी होगा तो आप ये आंसर की को देखेगा लास्ट में मैं आपको टैली करवा दूंगा क्योंकि करीबन आठ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और मेरा मानना है कि अगर एक घंटा या दो घंटा बैठ के अगर आप इस प्रकार के पांच क्लासेस के अंदर आठ से नौ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दैट इज मोर देन इनफ है ना कि यूपीएससी की तो कहानी यही है कि आपको पढ़ना बहुत सारा है कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से क्वेश्चन अगर दो मार्क का भी कवर हो रहा है ना चार घंटा बैठ के भी तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए गलत नहीं कह रहा हूं मैं सब ठीक है क्योंकि इसका सेटअप ही है एग्जाम का सेटअप ही ऐसा बोला गया है खैर क्या पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग द ऑफ डेसी अशोक अशोक के एडिक्स को किसने डेसीफर किया जॉर्ज बुल्हर या बिल्हर के रूप में पहचानते हैं जेम्स प्रिंसेप मैक्स म्यूलर एंड विलियम जोन्स यार ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी कोई पूछता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्या दोस्त हाँ शर्म आती है सर है ना अभी पढ़ाया था सर ठीक है कि क्या कहानी है सर वी हैड डिस्कस ना कौन था अशोक के एडिक को सबसे पहले किसने डेफ़र किए जेम्स प्रिंसेप ने की एटीन में पिछले क्लास को देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा और प्रिंसेप ही था जिसने ब्रह्मी और खरोश्य स्क्रिप्ट के बेसिस के ऊपर अशोक के इंस्क्रिप्शन को हाईलाइट किया और बताया कि देखिए यहाँ ये जो प्रियदर्शी जो है वही हमारा अशोक है सर ठीक है तो हमने आपको ये पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ाया था और आपको ये समझाने की भी कोशिश की थी कि प्रिंसेप की कहानी कैसे चलती है सर ठीक है ना तो याद करिए कि किताब के अंदर भी यहाँ पे एक टॉपिक दिया है प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी है ना इवन इन द बुक

वही चीज़ इंस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर इसने फाइनली कंक्लूजन डाला कि ये कोई और नहीं पर ये हमारा अशोक ही है सर ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट कि माई स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड कि जहाँ से भी प्रश्न आते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली डील कर सकते हैं खैर आखिर के दो क्वेश्चंस बाकी है और उसके बाद कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये दिखिए 2019 में उन्नीस के अंदर आपको क्या पूछा गया है सुनिए सर ठीक है ये प्रश्न पूछा गया है यहां उन्नीस के अंदर और बोला गया है कि इन विच ऑफ रिलीफ स्कल्पचर रिलीफ स्कल्पचर समझ में आता है मूर्ति एक पत्थर के ऊपर मूर्ति दी है इंस्क्रिप्शन ऑफ रानी अशोका अशोक का राजा की एक पूरी इमेज दिख रही है अलॉन्ग विथ अ स्टोन पोर्ट्रेट मतलब यहां पे अशोक की एक पोर्ट्रेट दिख रही है सर ठीक और फिर उसमें आपको चार जगह दी है कंगन हल्ली सांची, शबाजगढ़ी एंड सोहागुड़ा सो so, यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये प्रश्न के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि अशोक का एक फोटोग्राफ दिया गया है आर्किटेक्चर के रूप और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जगह वो है इनमें से कौन सी जगह वो है सर ठीक है रिलीफ स्ट्रक्चर अशोक के फोटो के रूप में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा अशोक ने तो नहीं बनवाया था पर कोई और राजाओं ने बनाई थी इज इज इन इन पाकिस्तान वहां वहां पे पे नहीं है है तो उसका इंस्क्रिप्शन सर सोहागुड़ा द द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री बिहार बंगाल वाले रीजन में और ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था उसका दादा के द्वारा तो वो थोड़ी अशोक का फोटो बनाएगा सांची में स्तूप आया हुआ है ठीक है अगर आप देखोगे तो एलिमिनेट करोगे ना इन तीनों को क्योंकि इनको अभी हमने पढ़ा सांची में पिलर आया है सांची में स्तूप आया हुआ है शब्बागढ़ी इज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री सोहागुड़ा इज नोन फॉर द इंस्क्रिप्शन ऑन फॉर माइन रिलीफ प्लेट ताम्रपत्र मिला है सर ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य का तो अगर आप एलिमिनेट करोगे ना एलिमिनेशन तो ऑप्शन नंबर बी सी और डी तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या सर है ना कगनहली ही बचेगा एक्चुअली मैंने आपको सन्नति करके एक जगह बताई थी कल के क्लास में सर सन्नति सन्नति एक्चुअली पोस्ट मौरियन पीरियड में सातवाहन डायनेस्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है तो जब अशोक का डिक्लाइन हुआ ना तो ये जो सन्नति वाली जगह है ना ये वाली सर ठीक है यहां पे कगनहली करके एक छोटी लोकेशन हुई हुए सन्नति के बाजू में एंड इन दिस कंगनहली वी फाइंड द सातवाहन डायनेस्टी एक्चुअली बिल्ट मल्टीपल मॉन्यूमेंट्स सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए इसी मॉन्यूमेंट्स के अंदर हमको ये इसकी जानकारी मिलती है क्या कहते हैं अशोक के इमेज के बारे में सर ठीक है

फॉलोइंग्रू दिस इंसक्रिप्शन में लाइन लिखी गई सो अवर प्राइज रू इज ओन से याद करिए वो दिन खैर यहाँ पे आपको दिखी रहा है आंसर मैंने आपको आंसर को हाईलाइट इसी के लिए करवा के दिया है क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा था ये प्रश्न अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कल के क्लास के अंदर हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था और रॉक एडिक सेवन के अंदर, अशोक ने यही चीज लिखी है टू फोस्टर वंस ओन सेक्ट डिप्रिशिएटिंग द अदर्स आउट ऑफ अफेक्शन आप अपने संप्रदाय को महासंप्रदाय कहोगे और बाकी सारों का अपमान करोगे तो उससे आपका संप्रदाय महान नहीं होगा बाबू इससे आप ही का ही नुकसान है इसे आप ही तकलीफ में आओगे और इससे आपको ही सबसे ज़्यादा इश्यू क्रिएट होगे और आप दूसरे का अपमान करते करते अपने का नुकसान पहुंचाओगे वही चीज यहाँ पे रॉक नंबर सेवन के ऊपर से डायरेक्टली पूछती है तो कल का क्लास मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं कि कल के क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों ने डिसलाइक निकाले सर अभी तक के क्लास के अंदर पिछले जो भी मैं क्लास देख रहा था मुझे पता नहीं कि क्यों डिसलाइक आए क्योंकि कल मैंने एनालिटिकल डिस्कशन किया आज अगर आप टोटल हमने आठ क्वेश्चन सोल्व किए बाय द सर ठीक है ना वी है जस्ट अ सेकेंड ये देखा था ना हमने यहां तक देखा था प्राय प्रशस्ति तक देख लिया था ना जस्टर सेकंड सर ठीक है ना यहाँ तक देख लिया था एज आई नो हमने सिक्स का सी किया था ना. सेवन एट नाइन सर है ना इसका सी आया ना अशोक तो उसके बाद हमने यहाँ देखा जस्टर सेकंड सर ठीक है हाँ ये सेवन हो गया सेवन का बी हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन का बी हो गया उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर चले जाते एट का हो गया ए क्वेश्चन नंबर एट का ए हो गया और क्वेश्चन नंबर नाइन का जो है नौ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन का भी ए हो जाएगा ये हमने देखा ना लास्ट लास्ट पॉइंट देखे ना तो ये तो आपकी आंसर की हो गई अब आप मुझे बताइए प्लीज टेल मी वन थिंग व्हेन वी सी द होल अशोकन पिक्चर्स व्हेन वी सी द होल कंडीशंस हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वॉट वी हैव स्टडीड और कल के क्लास में मैं अशोकन एडिक्स को पढ़ाया था अशोक के इंस्क्रिप्शन के मैसेजेस को पढ़ाया था नंबरिंग करवाया था एक से चौदह की उसमें से करीबन पांच क्वेश्चन आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन गोल गोल घुमा के पूछा तो नौ प्रश्न मैंने आपको कराया और नौ में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप आंसर ना कर पाओ फ्रॉम द लेक्चर्स एंड द स्लाइड्स जो अभी यहां पे करा और ये एनसीआर के थोड़े बाहर का है इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ प्रश्न और भी है जो अभी नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि फिर टाइम की लिमिटेशन और कंस्टेंट भी आ जाएंगे बट मैं आपको यही कन्वे करा रहा हूं कि आप खास करके ऐसे बच्चे जो टीचर के ऊपर उंगली उठाते हैं ये क्या पढ़ा रहा है या कैसे पढ़ा रहा है इसको आता है कि नहीं आता है तो उसको ये प्रश्न दिखा दीजिएगा समझे कि नहीं समझे और बता दीजिएगा लेक्चर्स के साथ कोरिलेट करके कि क्वेश्चंस कहाँ से आए आज यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ मोस्ट पब्लिक कल या परसों से विल बी स्टार्टिंग विद द पोस्ट मॉरेन इंडिया और फिर पोस्ट मॉरेन इंडिया एन में क्या दिया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर ठीक है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड इफ़ यू डो नॉट लाइक इट कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्यों पसंद नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे इसके लिए पसंद नहीं आया या आपको नहीं आ रहा है इसके लिए पसंद नहीं आया सर ठीक है ना पॉइंट ऑफ नॉट बाकी अगर आपको जुड़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन एस ऑन द प्लेटफॉर्म आई एम स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स ऑन मॉडर्न इंडिया आई एम ऑल्सो ऑन द हिस्ट्री ऑप्शनल और ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल का जो कोर्स है वो करीबन तीन महीना चलेगा पेपर वन उसके बाद पेपर टू भी आएगा अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज दिस कोड पी एन लाइव एंड गेट टेन परसेंट ऑफ द फीस मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा पोस्ट मॉन इंडिया की चर्चा करते हुए टिल दैन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेष टू